हरे कृष्णा। आप सभी दर्शकों का जो YouTube पर Facebook पर हमें देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं गीता डिप्लोमा कोर्स में। आज चौथा दिन है और आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं, कर्तव्य, ड्यूटी। अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को जानो। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले सभी का धन्यवाद देना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय निकाला जुड़ने के लिए। आइए प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का फिर से स्वागत, सभी को हरे कृष्णा। तो आज का सेशन है तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रेलेवेंट भी, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल भी। इसलिए हम तो पूरी कोशिश करेंगे सरल से सरल बनाएं और बहुत आसानी से आपको ये प्रस्तुत करें, आप इसको आसानी से समझ पाएं। लेकिन अगर कहीं पर भी आपको कठिन लगता हो तो धैर्य बनाकर रखिएगा। समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आज भी और वेडनेसडे के सेशन में भी। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्यक्ति को अपने जीवन में कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म को जानना। पिछले सेशन में हमने हमारी पहचान क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था कल के सेशन में। तो अब पहचान जब पता चल गया है तो नेक्स्ट क्या होता है? अब मैं जान चुका हूँ मैं कौन हूँ, तो नेक्स्ट होता है मुझे अब क्या करना चाहिए। करेक्ट, बहुत नेचुरल सी बात है, ये नेक्स्ट बात होती है। कैसे करना है वो हम कल नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, लेकिन क्या करना है वो आज का डिस्कशन रहेगा। तो आइए इस टॉपिक को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक रिवीजन करेंगे, कल के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था। चैप्टर 2 की शुरुआत हुई थी संजय के एक श्लोक के द्वारा, जिसमें संजय धृतराष्ट्र को अलर्ट करते कि भाई महाराज आप इतने भी ज्यादा आश्रम मत रखो कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि अर्जुन के साथ कृष्ण है, कृष्ण का नाम मधुसूदन है और कृष्ण एक गेम चेंजर है, कृष्ण अर्जुन को भी बदल देंगे, अर्जुन के सोचने के तरीके को बदल देंगे। तो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता है, अभी भी उसका यही निर्णय है। 5वां कारण बताता है युद्ध न करने का और फिर भगवान को समर्पित हो जाता है, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बताइए मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। ये थे पहले 10 श्लोक सेकेंड चैप्टर के। फिर कृष्ण गुरु का रोल अपना लेते हैं और वो सबसे पहले तो अर्जुन को डांटते हैं, फिर आत्मज्ञान देते हैं जिसे सांख्य भी कहते हैं, आत्मा और शरीर के बीच में अंतर। इस ज्ञान का निष्कर्ष ये है कि अर्जुन तुम युद्ध करो, ये नहीं कि तुम आत्मज्ञान को सुनकर अब बैठ जाओ, ध्यान में चले जाओ, अपना कर्तव्य जिम्मेदारी सब छोड़ दो, संन्यास ले लो, ना, युद्ध करो। नेक्स्ट कृष्ण बोलते हैं अगर तुम्हें जीवन में सुख भी चाहिए तो सुख कर्तव्य करने से मिलता है, इसलिए तुम अपना कर्तव्य निभाओ, निर्धारित कर्म करो जो तुम्हारे लिए युद्ध करना है। आगे वो कहते हैं अगर तुम्हें भय है कि युद्ध में मारना होगा उससे पाप लगेगा, तुम यदि अगर बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग की भावना अपना कर अपना कर्म करोगे कोई पाप नहीं। अर्जुन बोलता है बहुत सुंदर है, सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है, प्रेरणा मिल रही है, लेकिन मैं लिविंग एग्जाम्पल्स के बारे में जानना चाहूंगा जो इस प्रकार कार्य करते हैं। तो वो पूछते हैं 4 प्रश्न। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितदि किम प्रभाषेत, किम आसीत व्रजेत किम। चैप्टर 2 श्लोका 54। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से इन 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। निष्कर्ष में वो बताते हैं वैसे व्यक्ति का उद्देश्य क्या होता है, लक्षण कार्य का उद्देश्य, कार्य और गंतव्य, वो कहाँ जाता है, वैकुंठ में प्रवेश करता है, वो स्थान जहाँ आनंद ही आनंद है, स्वतंत्रता मुक्ति ही मुक्ति है और जहाँ पर केवल व्यक्ति को प्रेम का अनुभव होता है, कोई वहाँ पर कमी नहीं। तो अब कृष्ण ने अर्जुन को एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति समझ के बारे में बताते समय एक पशु का, एक प्राणी का उदाहरण दिया था। करेक्ट, आपको याद होगा। तो कृष्ण वो कौन से प्राणी का उदाहरण देते हुए, उपमा देते हुए अर्जुन को स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के गुणों को समझाते हैं।
ये आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, जो आप हमें उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि वो क्या प्राणी है जिसका उदाहरण कृष्ण देते हैं। देखते हैं क्या उत्तर आता है आप सभी का। कुर्मा टॉर्टोइस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सही उत्तर है टॉर्टोइस। हाँ, कुछ लोग कहते हैं लायन, लगता है आपने कल का सेशन अटेंड नहीं किया। कोई कह रहा क्रोकोडाइल, नहीं नहीं टॉर्टोइस सही उत्तर है। टॉर्टोइस जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कछुआ। कछुआ का उदाहरण दिया, जैसे कि कछुआ अपने अंगों को अंदर सिकुड़ लेता है, समेट लेता है जब भी कोई डेंजर उसको दिखता है, वैसे एक स्थितज्ञ व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों में क्या करता है, अपने आप को सिकुड़ लेता है, मतलब अपने आप को इनएक्टिव बना देता है, जिससे कि वो समस्या उसको ट्रबल ना करे, वो अपनी चेतना को अंदर की ओर मोड़ लेता है। अभी ये सब चीजें सुनना अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली कैसे करें अगर आपकी जिज्ञासा है, तो चिंता मत कीजिए, गीता में सब कुछ आगे आगे रिवील होता जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने उदाहरण दिया कुर्मा का, कछुआ का। ये बात जानने के बाद हम दूसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझने की कोशिश करेंगे, जो चैप्टर टू में कृष्ण ने एक्सप्लेन करना प्रारंभ किया था, उससे चैप्टर थ्री जुड़ा हुआ है। देखिए चैप्टर टू में कृष्ण ने सब कुछ बता दिया, चैप्टर टू गीता का सार है, ये 72 श्लोकों में पूरा गीता का ज्ञान दिया है, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाता है, इसलिए कृष्ण को चैप्टर थ्री कहना पड़ता है। 4, 5, 6 और वो 18 तक चलता है, क्योंकि अर्जुन चैप्टर 18 के कृष्ण के लास्ट उपदेश सुनने तक पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ होता है। तो यहाँ कृष्ण ने हमें क्या बताया था, पहचान के बारे में। पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर सोचते हैं या इस प्रकार बातें करते हैं कि हमें अपने विचारों को बदलना है, हम इस प्रकार नहीं सोचना चाहते, हम उस प्रकार सोचना चाहते हैं, लेकिन विचार तब बदलेंगे जब आप अपनी पहचान बदलोगे। पहचान नहीं बदलोगे तो विचार नहीं बदलेंगे, और जब विचार बदलेंगे तभी हमारे एक्शंस या कार्य बदलेंगे। अगर हमें कार्य को बदलना है तो विचारों को बदलना होगा, विचारों को बदलना है तो हम किस प्रकार अपनी पहचान बनाते हैं उसको बदलना होगा। इसलिए कृष्ण ने जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ को जाना अर्जुन के लिए और उसको सॉल्व किया कि अर्जुन फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जानो कि तुम्हारी पहचान आइडेंटिटी क्या है, उसको सही समझ लोगे तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, सब कुछ धीरे धीरे अपने आप आगे आ जाएगा। तो चैप्टर टू के अनुसार हमने ये जाना कि व्यक्ति की दो पहचान हो सकती है ना, ब्रॉडली क्या, एक तो एक्सटर्नल जो उसके शरीर से संबंधित होती है, हम सबको अलग अलग शरीर मिला है, उसका एक रंग है, एक रूप है, एक साइज है, एक वेट है, एक हाइट है, एक पर्टिकुलर देश में हमने जन्म लिया है, तो वो शरीर की एक एक्सटर्नल पहचान है, आइडेंटिटी। उसके साथ में प्रोफेशन जोड़ लीजिए और रिलेशनशिप जोड़ लीजिए, फलाना ढिकड़ा। लेकिन हमारी एक दूसरी पहचान है जो सबके लिए सेम है, हमारी एक्चुअल पहचान, इंटरनल आइडेंटिटी, वो है आत्मा। इन दो के बारे में कृष्ण ने अर्जुन को बताया। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया, अर्जुन तुम शरीर नहीं हो जिसके अंदर आत्मा है, तुम आत्मा हो जो शरीर के अंदर है। दोनों में डिफरेंस है। कुछ लोगों को लगता है हम शरीर हैं और आत्मा एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है जो हमारे अंदर है। नहीं, हम आत्मा है जिसके ऊपर एक शरीर का आवरण है। तो इन दोनों पहचानों में से सरल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, कठिन नहीं, लेकिन इसका उत्तर आगे की बात को समझाएगा। इन दोनों पहचानों में कौन सी जो पहचान है वो परमानेंट है, ये क्वेश्चन है कि विच आइडेंटिटी इज परमानेंट इन दोनों में। बड़ा सरल उत्तर होगा इसका, आप सभी उत्तर दे सकते हैं। तो वेट करते हैं आपके प्रश्न उत्तर का, क्या उत्तर है आपका इस प्रश्न के लिए। सोल, वेरी गुड, नवदीप चंद्रदास, थैंक यू सो मच। आत्मा, आत्मा की जो पहचान है हमारी वो परमानेंट है, हम आत्मा है। शरीर की पहचान है, ऐसा नहीं कि हम नहीं कहते हम शरीर, हमारे पास शरीर नहीं है, लेकिन वो पहचान टेम्पररी है, कुछ समय के लिए। शरीर बदल जाएगा तो वो पहचान भी बदल जाएगी, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, कृष्णा अर्जुन को क्या बताएंगे। कृष्ण ने पहले क्या बताया था, 4 कारण बताए थे युद्ध करने के। पहला कारण था अर्जुन तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, आत्मा तो मरती नहीं, शरीर तो मर के ही रहेगा, तो तुम युद्ध क्यों नहीं करते। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते न तुम शोचितुम् अर्हसि, चैप्टर 2 श्लोक 27, कि जो जी रहा है वो तो मरेगा, जो मर जाएगा वो फिर से जन्म लेगा, तो तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण इतना अर्जुन को कहते हैं,
और फिर नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं कि तुम्हारा ये कर्तव्य भी है, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध लड़ना, तो तुम अपना कर्तव्य करो, सिंपल, ये तुम्हारा धर्म है, स्वधर्म है। इस शब्द को बाद में देखेंगे। तीसरा कारण कृष्ण देते हैं अर्जुन को, वो ये कि अगर तुम जीवन में सुख चाहते हो तो जो सुख मिलता है अपने कर्तव्यों को करने से, तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना, हारोगे जीतोगे इसको भूल जाओ, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भूल जाओ कि क्या परिणाम होगा, बस तुम अपना कर्तव्य निभाओ, इससे तुम्हें चैन मिलेगा, तुम संतोष, संतुष्टि, आनंद का अनुभव करोगे। और लास्ट कृष्ण कह रहे थे अगर तुम्हें भय है पाप लगेगा, तो अगर तुम कर्तव्य बुद्धि को नहीं छोड़ते हो, निष्काम भावना से कर्म करते हो, तो पाप भी नहीं लगेगा। ये चार बातें अर्जुन को कही थी अर्जुन को कन्विंस करने के लिए। तो यहाँ उन्होंने जो शब्द यूज किया स्वधर्म, उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। स्वधर्म, अभी स्व शब्द के दो अर्थ होते हैं, स्व मतलब सेल्फ, तो सेल्फ किसी के लिए भी हो सकता है, सेल्फ शरीर के लिए हो सकता है, सेल्फ आत्मा के लिए हो सकता है, और धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। तो इस शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, आत्मा का धर्म, शरीर का धर्म, और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आत्मा का धर्म, शरीर का धर्म। तो प्रश्न ये है, आप स्क्रीन पे देखेंगे उस प्रश्नों को, कि अर्जुन को युद्ध लड़ना था, करेक्ट, क्षत्रिय है, उसको युद्ध लड़ना था, तो वो युद्ध लड़ना किसका धर्म है, शरीर का धर्म है या आत्मा का धर्म, किसका धर्म है ये युद्ध लड़ना, अर्जुन के लिए युद्ध लड़ना किस चीज का धर्म है, शरीर या आत्मा, थोड़ा सोच कर उत्तर दे जाएगा। ओके, हमें बहुत रिप्लाइज आ रहे हैं जिसमें सब कह रहे हैं मोस्टली शरीर का धर्म है, एक दो व्यक्ति कह रहे हैं आत्मा का धर्म है, अधिकांश लोग कह रहे हैं शरीर का धर्म है। तो यस, राइट आंसर क्या है, अभी आप देखेंगे राइट आंसर स्क्रीन पर, कि ये प्रकृति से प्राप्त शरीर का धर्म, अर्जुन को शरीर प्रकृति से मिला और वो शरीर का स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव, तो युद्ध लड़ना वो शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि आत्मा का धर्म क्यों नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मा का धर्म क्यों नहीं है, शरीर का धर्म क्यों है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अधिकांश लोग मेटीरियल और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और भौतिक के अंतर को ही नहीं जानते हैं, और बहुत बार वो जो मेटीरियल है उसको स्पिरिचुअल मान लेते हैं, है ना, इसलिए दोनों में डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज मटेरियल लाइफ एंड व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअलिटी क्या है, मटेरियलिज्म क्या है। तो ये शरीर का धर्म क्यों है और आत्मा का धर्म क्यों नहीं है। ओके, तो कुछ लोग कह रहे हैं क्योंकि आत्मा का धर्म भगवान से प्रेम करना है, और आत्मा शरीर बदलती रहती है। ओके, आत्मा मटेरियल नहीं है, आत्मा परमात्मा का अंश है। वेल, इनमें से कोई भी उत्तर इतना क्लोज नहीं जो सही उत्तर है उसके। बेसिकली इसका उत्तर इस प्रकार है, आप स्क्रीन पे देखेंगे, आत्मा का धर्म नहीं शरीर का धर्म इसलिए है क्योंकि वो धर्म शरीर पर आधारित है। समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, अर्जुन इस जीवन में क्षत्रिय के शरीर में है, पिछले जन्म में वो किसी और शरीर में होगा, आगे अगर उसका जन्म होता है तो किसी और शरीर में होगा। तो जब शरीर बदल जाएगा, शरीर से संबंधित कार्य बदल जाएगा, लड़ना उसका धर्म तब तक है जब तक वो क्षत्रिय के शरीर में हो। जैसे शरीर बदला, धर्म बदल गया। इनफैक्ट वो क्षत्रिय धर्म भी उसका हमेशा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा नहीं लड़ता है, 24 घंटे युद्ध नहीं करता रहता है, जब रणभूमि पे जाता है तब युद्ध करता है। जब हम आत्मा के धर्म की बात करते हैं तो आत्मा का धर्म वो है जो आत्मा कभी छोड़ नहीं सकती। अभी संसार में सभी जितने भी लोग हैं सबको युद्ध थोड़ी ना करना है, इसलिए युद्ध लड़ना शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं। इससे हम क्या सीखते हैं कि आध्यात्मिक रूप से धर्म कुछ और होता है, भौतिक रूप से धर्म कुछ और होता है। ये दो चीजों को समझना पड़ेगा, मटेरियल ड्यूटी, स्पिरिचुअल ड्यूटी, आध्यात्मिक कर्तव्य, भौतिक कर्तव्य। कृष्ण गीता में अर्जुन को दोनों की शिक्षा देने वाले हैं, अध्यात्म की भी और भौतिक जीवन की भी, और दोनों का कनेक्शन भी है, करेक्ट, दोनों कनेक्शन, दोनों जुड़े भी हैं, लेकिन दोनों में अंतर भी है। तो यहाँ पर अभी उसको उसका जो भौतिक कर्तव्य है,
कर्तव्य एज ए क्षत्रिय वो बताया जा रहा है, लेकिन इस कर्तव्य को करने से आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। वो कैसे होगी वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, वो कर्म योग के द्वारा होगी। केवल कर्म करने से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, कर्म को कर्म योग बनाने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। इतना कुछ आपको बताना जरूरी था इस चैप्टर में प्रवेश करने से पहले के लिए। तो इसलिए अभी चैप्टर 2 पूरा हुआ है, तो कृष्ण अर्जुन को देख रहे हैं। अर्जुन अब क्या करेगा, युद्ध लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, अर्जुन समझ गया कि नहीं समझा, अर्जुन अभी सब कुछ छोड़ के जाना चाहता है कि युद्ध लड़ना चाहता है, लेकिन अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके लिए अच्छा क्या है, वो यही जानना चाहता था, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। तो बुद्धि योग उसको अच्छा तो लगता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि वो करेगा कैसे, इज इट प्रैक्टिकल फॉर हिम। इसलिए अर्जुन क्लैरिफाई करने के लिए कृष्ण से क्वेश्चन पूछते हैं। चैप्टर 3 अर्जुन के क्वेश्चन से शुरू होता है। अर्जुन उवाच, जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन का कहना है कि आप तो जनार्दन हो, आप तो सभी लोगों के पालन करता हो, तो आप क्यों चाहते हो कि लोग यहाँ पर मरे, आप मुझे ये गलत काम क्यों करवाना चाहते हो, इसमें तो पाप होता है। और आपने मुझे पिछले चैप्टर में कहा कि हमें गलत कार्य से दूर रहना चाहिए, और आप कह रहे हो गलत कार्य से दूर रहो और आप कह रहे हो युद्ध भी करो, ये दो अलग अलग बात है, ऑपोजिट बात है, आप मुझे एक साथ करने के लिए कैसे कह रहे हो, मैं कन्फ्यूज हूँ। व्याम श्रेण वाक्य न, आप मुझे दो बातें मत कहिए, एक बात कीजिए प्लीज, वन थिंग, या तो आप मुझे युद्ध करने के लिए बोलिए, या फिर आप मुझे सही गलत के बीच में अंतर करके इंटेलिजेंस यूज करते हुए डिसाइड करने के लिए बोलिए, मैं दोनों चीज साथ में नहीं कर सकता। तो अब अर्जुन को कन्फ्यूजन किस चीज पे हो रहा था, कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि मैं मटीरियल ड्यूटी निभाऊं या मैं स्पिरिचुअल ड्यूटी निभाऊं, मैं दोनों को साथ में कैसे निभा सकता हूं। मैं अगर आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए, आत्मा को तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मा तो मार नहीं सकती है, आत्मा न मरती है, तो मैं युद्ध क्यों करूं। और अगर मुझे युद्ध करना चाहिए तो आपने मुझे आत्मा का ज्ञान क्यों दिया, उसका फिर क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट है। तो आप मुझे कन्फ्यूज मत कीजिए कृष्णा, आप प्लीज मुझे एक रास्ता बता दीजिए, दो रास्ते मत बताइए। तो अर्जुन किन दो रास्तों की बात कर रहे हैं, उसको टेक्निकली कहते हैं कर्म का मार्ग और ज्ञान का मार्ग। आप में से कुछ लोग जो गीता से परिचित नहीं होंगे शायद इन शब्दों को न समझ पाए, लेकिन बहुत आसान है इन शब्दों को समझना। कर्म का मार्ग होता है मतलब हम केवल कर्म करना चाहते हैं, कर्म में हमारी बहुत रुचि है। ज्ञान का मार्ग अर्थात हमें दर्शन में, फिलॉसफी में और जीवन की सच्चाई को जानना, विचार करना, है ना, शास्त्रों को पढ़ना इत्यादि इत्यादि में बहुत रुचि है। तो ये दो अलग अलग मार्ग हैं, एक में भौतिक जिम्मेदारी से अनासक्ति का भाव होता है, दूसरा मार्ग होता है जिसमें व्यक्ति भौतिक कार्यों में बहुत ज़्यादा लिप्त रहता है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि एक बताओ इन दोनों में से, दोनों कैसे मैं करूँगा, दोनों तो पॉसिबल नहीं है। कृष्ण ने चैप्टर 2 में दोनों को साथ में करने के लिए कहा था। तो अर्जुन कहते हैं या तो कर्म करने के लिए कहिए या त्याग करने के लिए कहिए, दोनों करने के लिए मत कहिए, मैं नहीं समझ पा रहा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो अर्जुन क्लैरिफिकेशन चाहता है, क्या ये सच है कि कृष्ण अर्जुन को कंफ्यूज कर रहे हैं, ऑफ कोर्स नहीं, भगवान कृष्ण अर्जुन को कंफ्यूज क्यों करेंगे, वो तो अर्जुन की सहायता करना चाहते हैं। अर्जुन समझ नहीं पा रहा है, और एक प्रकार से अच्छी बात है क्योंकि अर्जुन नहीं समझ रहा है तो हमारे लिए और ज़्यादा मौका मिल जाता है इस विषय को गहराई से समझने का, क्योंकि अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा है तो कृष्ण अब अर्जुन के लिए इस विषय को क्लैरिफाई करेंगे और फिर हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करते हैं, दे इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ, दे वॉन्ट टू मेक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, लेकिन दो कैटेगरीज के वो लोग हैं। पहला कैटेगरी कौन है, जिसे कर्म योगी कहते हैं, जिनको कर्म करने में बहुत रुचि है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो योगी भी है। तो ये कर्म योगी जो शब्द है इसकी परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए आप इस शब्द से क्या समझते हैं, कर्म योगी, किसे कर्म योगी कहा जाएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन कर्म योगी का, बताइए कर्म योगी शब्द का अर्थ क्या है।
आज रिप्लाईज बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, या तो प्रश्न कठिन है या इंटरनेट कनेक्शन में लैगिंग ज्यादा है। कर्म अर्थात कर्म योगी अर्थात कर्म का योगी, वर्क इन सर्विस टू गॉड, वेरी गुड, जो भगवान को कर्म अर्पित करता है, हाँ, कार्य करना अनासक्ति की भावना से, बहुत अच्छा, निष्काम कर्म करता है, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, वेरी गुड। आप सभी के उत्तर लगभग सही हैं। तो देखते हैं कर्मयोगी का अर्थ क्या है, सरल अर्थ क्या है, जो अपने कर्म के परिणामों के माध्यम से भगवान से जुड़ता है। इसको याद करना आसान है बहुत। अब इन दो शब्दों को अलग अलग कर दीजिए, कर्म और योगी। कर्म मतलब कार्य करना, योगी मतलब जो योग में जुड़ता है उसको योगी कहेंगे। तो जो व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा भगवान से जुड़ता है उसको कहेंगे कर्मयोगी। अब इसी प्रकार अगर ज्ञान योगी की डेफिनेशन बनाई जाए तो ज्ञान योगी कौन है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ता है उसको ज्ञान योगी कहेंगे, लेकिन वो फिर कर्म का त्याग कर देता है। कर्मयोगी कर्म करता है, ज्ञान योगी कर्म का त्याग करता है, तो ज्ञान योगी को सन्यासी भी कह सकते हैं। तो अर्जुन सोच रहा था या तो युद्ध लड़ूंगा या सन्यास लूंगा, युद्ध लड़ते लड़ते सन्यासी कैसे बन जाऊंगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन के लिए ये दो कैटेगरीज, दो अलग अलग कैटेगरीज हैं, और ये दो अलग अलग कैटेगरीज दो अलग अलग डेस्टिनेशन में पहुंचाएंगी, ऐसा अर्जुन को लगता है कि ये दो अलग अलग मार्ग हैं जिसके दो अलग अलग लक्ष्य हैं। ये अर्जुन का अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन कृष्ण अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई करते हुए बोलते हैं कि अर्जुन ये दो अलग अलग मार्ग नहीं है, ये एक ही मार्ग में दो अलग अलग लेवल्स हैं, दो अलग अलग स्टेजेस हैं, एक कर्म योग का स्टेज और दूसरा ज्ञान योग का स्टेज। लेट्स गो बैक टू फर्स्ट सेशन, हमने पहले सेशन में आपको बताया था जब कर्म योग में ज्ञान और अनासक्ति को जोड़ देते हैं तो ज्ञान योग हो जाता है। तो कृष्ण ने कहा कि ये दोनों मार्ग बेसिकली दो लेवल्स हैं एक ही मार्ग। और फिर कृष्ण ये समझाने के बाद में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम्हारा झुकाव थोड़ा सा सन्यास की ओर ज्यादा है, तुम अपने कर्तव्य से भागना चाहते हो, तो मैं तुम्हें गलत समय पर या सही समय आने से पहले सन्यास लेने में क्या दोष है वो बताता हूँ। ये बहुत प्रैक्टिकल है, हमारे लिए तो है ही इंडिविजुअली, लेकिन हम समाज में भी इस चीज को देख सकते हैं कि लोग बहुत बार भाव में आकर या फिर इमेच्योरिटी के कारण कहेंगे, सच्चाई तो वो है, बहुत जल्दी अपने कर्तव्य को त्यागना चाहते हैं। अरे हम परेशान हो गए, छोड़ो, छोड़ देंगे सब, संसार छोड़ देंगे, घर छोड़ देंगे, जिम्मेदारियां छोड़ देंगे, पति बोलेगा मैं पत्नी को छोड़ दूंगा, पत्नी बोलेगी मैं पति को छोड़ दूंगी, इस प्रकार हम छोड़ने की बात बहुत करते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ पर समझाने वाले हैं कि कौन छोड़ सकता है और कब छोड़ सकता है, और अगर वो सही समय आने से पहले छोड़ देता है तो उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। तो कृष्ण उस चीज को समझाने के लिए अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन न कर्मणाम नारंभाम नैष्कर्म्यम। वो कहते हैं कि देखो ऐसा तो कोई नहीं है, कोई व्यक्ति संसार में कर्म नहीं करेगा, हर व्यक्ति कार्य करता है, कोई शरीर से, कोई वाणी से, कोई मन से। और अगर तुम्हारा स्वभाव ये है कि तुम किसी प्रकार का कर्म करोगे तो तुम करके ही रहोगे, तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय का, तो तुम क्षत्रिय का कार्य करके ही रहोगे, नहीं करना चाहोगे तो भी विवश होकर करना पड़ेगा क्योंकि ये तुमसे करवाएगा। तो कृष्णा एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है जो हमें प्रकृति से मिलता है, मेटीरियल नेचर से, और हम सब उस स्वभाव के अनुसार लाचार होते हैं कार्य करने के लिए, जैसा स्वभाव होगा हम वैसा करेंगे ही करेंगे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक प्री प्रोग्रामड। ऑफकोर्स उस प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता है, लेकिन वो प्री प्रोग्रामिंग होती है, हमको जैसा शरीर मिला है, जैसा मन मिला है, जैसी बुद्धि मिली है, उसके अनुसार हम एक प्रकार से ही कार्य करते हैं। इसको हम चैप्टर 13-14 में बहुत गहराई से जानेंगे। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम काम तो करोगे ही करोगे, उसको तो तुम छोड़ नहीं सकते हो। अब अर्जुन क्या सोच रहा था, अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार थी, जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं, विशेषकर आपको अब थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहेंगे, तो बुद्धिज्म में यही अंडरस्टैंडिंग है, जो बुद्धिस्ट होते हैं उनकी यही सोच है, इसलिए वो कुछ जगह पर गलत हो जाते हैं। क्या वो सोचते हैं कि कर्म करने से कर्म बंधन लगता है, क्योंकि कर्म हर कार्य का एक रिएक्शन होगा, प्रतिफल होगा, तो मैंने कोई कार्य किया तो उस कार्य का मुझे रिएक्शन मिलेगा और वो रिएक्शन मुझे दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर कर देगा, तो मैं हमेशा बंधन में पड़ा रहूंगा। तो फिर सॉल्यूशन क्या है, कर्म करना छोड़ दो,
उसको कहते हैं संन्यास। मैं कोई कार्य नहीं करूँगा, कोई जॉब नहीं, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, दुनियादारी नहीं, कुछ जिम्मेदारी नहीं, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ त्याग कर दूंगा, तो मैं अपने कर्मों से मुक्त हो जाऊंगा। उसको लोग मुक्ति कह देते हैं कि अब तो वो मुक्त हो गया, मुक्त आत्मा बन गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द ट्रुथ। तुम ऐसा सोचते हो, इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं है। वो कहते हैं जब व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, कार्य करना छोड़ देता है बाहरी रूप से, लेकिन उसके मन में विचार चलते रहते हैं और मानसिक रूप से कार्य करता रहता है, तो उसे मानसिक कर्म करने का भी फल मिलता है। और वैसा व्यक्ति बाहर से तो एक बहुत अच्छा सन्यासी दिख सकता है, लेकिन वो मन से अच्छा सन्यासी नहीं होता है, मतलब उसके मन में मैल होता है। तो मैं वैसे व्यक्ति को एक धोखेबाज या झूठा त्यागी कहता हूँ। मतलब हम एक्सटर्नली दिखावे के लिए त्याग कर सकते हैं, लेकिन अंदर में भी उतनी पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। तो अर्जुन कहते हैं कि अच्छा, तो ऐसा मतलब थोड़ी ना कि संसार में जितने भी सन्यासी हो वो सब ऐसे ही होंगे। मैंने तो बहुत अच्छे सन्यासियों को वन में देखा है, उनका संग किया है, तो अगर सन्यास लेना गलत है तो उन्होंने क्यों लिया, उन्होंने सब कुछ क्यों छोड़ा। तो कृष्ण कहते उसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन जो अगर इस प्रकार आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से अपने कर्तव्य को छोड़ देता है, वो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति को कृष्ण कहते हैं मैं उसे मिथ्याचारी कहूँगा, धोखेबाज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। भगवद्गीता हमें धोखेबाज बनना नहीं सिखाती, कोई भी वास्तविक ग्रंथ हमें ये शिक्षा नहीं देता कि हमें एक दिखावटी आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, है ना। इनफैक्ट इन श्लोकों की एक्सप्लेनेशन में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जिन्होंने भगवद गीता यथारूप लिखी है, वो कहते हैं कि एक ऐसे पाखंडी से जो धन के लिए धर्म का मुखौटा पहनकर घूमता है या संन्यास लेता है, उससे तो एक झाड़ू मारने वाला व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है, ईमानदार है, क्योंकि उसने अपने कर्मों को ईमानदारी से किया और उसके फल से वो अपना परिवार चलाता है और उसके फल से अपनी भगवान की सेवा भी करता है। तो कर्मयोगी एक झाड़ू मारने वाला व्यक्ति बेटर कर्मयोगी हो सकता है और बेटर योगी हो सकता है एक फॉल्स प्रिटेंडिंग सन्यासी से। तो शिक्षा यहाँ पर एक सुंदर शिक्षा है जो ये चैप्टर हमें सिखलाती है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को क्या करना है, शास्त्रों में बताए गए संयमित जीवन जीना होगा, शास्त्रों में बताए संयमित जीवन, और फिर जो भी कार्य करना है उसको अनासक्त भाव से करना होगा। इससे व्यक्ति स्पिरिचुअली ग्रो करता है, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। हमें एक्सटर्नली चीज़ों को नहीं त्याग कर इंटरनली उन चीज़ों के प्रति जो आसक्ति है उसको त्यागना है, इंटरनल ग्रोथ करना है। तो शिक्षा ये है, आध्यात्मिक या धार्मिक जीवन दिखावे के लिए नहीं है, ना ही ये किसी प्रकार का फैशन है, ये एक जिम्मेदारी है, गंभीर जिम्मेदारी, कि हम अंदर से प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आत्म प्रगति के लिए हम ये कार्य करना चाहते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले तो ये डेंजर बताते हुए संन्यास का या गलत प्रकार से कर्म को त्याग का करने का जो डेंजर है उसको बताते हुए, फिर अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति को सही प्रकार से कर्म कैसे करना चाहिए। पहले तो वार्न किया, प्रिकॉशन, है ना, अब कैसे करना चाहिए वो एक्सप्लेन करते हैं। तो वो कहते हैं इसलिए अर्जुन तुम नियतम कुरु कर्मत्वम, अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करो, ऐसा करना कर्म न करने से बेहतर। तो अर्जुन कहते हैं लेकिन फिर बंधन तो पड़ेगा ना पड़ेगा, कर्म करेंगे तो बंधन लगेगा। तो कृष्ण कहते हैं कर्म करने नहीं कह रहा हूँ, कर्म योग करने कह रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। कर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कर्म योग के लिए बोल रहा हूँ। योग करने से कर्म का बंधन टूट जाएगा। और वो कर्म योग होता क्या है, उसमें तीन बातें होती हैं। पहली बात, कर्म करो लेकिन परिणाम के लिए नहीं। दूसरी बात, कर्तव्य के रूप में कर्म करो, यज्ञ के लिए कर्म करो। यज्ञ क्या है आगे हम जानेंगे। और तीसरा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। तीन बात, कुछ भी कार्य करें किस लिए करें, अनासक्ति की भावना से करें, यज्ञ के रूप में करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो फिर वो कर्म कर्म नहीं रह जाता है, वो कर्म क्या बन जाता है, कर्म योग। मतलब व्यक्ति कर्म भी करेगा लेकिन बंधन भी नहीं लगेगा। अब ये गीता का साइंस है,
ये भी ज्ञान है। इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है अगर हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं। तो कृष्ण ये श्लोक कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संगः समाचरः। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। कैसे कार्य नहीं करना चाहिए वो बताया, अब कैसे करना चाहिए वो भी बताया। तो अर्जुन एक क्वेश्चन पूछेंगे जो हम सब के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि हम क्यों यज्ञ के लिए कर्म करें, अपने लिए क्यों ना करें, दूसरों के लिए क्यों ना करें, यज्ञ के लिए क्यों करें? Why should I work as a matter of sacrifice? इसका कारण क्या है? तो कृष्ण अब उसे लॉजिकली समझाएंगे कि ये सृष्टि कैसे चलती है, यज्ञ क्यों करना चाहिए। कृष्ण बताते हैं, भगवान विष्णु ने लोगों को सही तरीके से अपनी भौतिक इच्छाओं की पूरी करने में सहायता करने के लिए यज्ञ को बनाया। ध्यान से सुनिएगा, हमारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, सुख चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, करेक्ट? ये सब हमारी नीड्स हैं। मनुष्य की ये इच्छाएं होती हैं, लेकिन इन इच्छाओं को पूरा कौन करता है? देवता कर्ण करते हैं। देवता कौन होते हैं आगे हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो मनुष्य जब यज्ञ करता है देवताओं की प्रसन्नता के लिए, जिसे कर्म कांड कहते हैं, तो देवता गण मनुष्य की इच्छा पूर्ति करते हैं, उनको आशीर्वाद या कृपा देते हैं, मतलब उनकी भौतिक जरूरतों को पूरी करते हैं। सिंपल रिलेशनशिप है ये। आपने यज्ञ किया हायर लिविंग एंटिटीज को प्रसन्न करने के लिए, और उन्होंने, उनके पास जो पावर्स है उसके बेसिस में आपको कुछ परिणाम दिए। देवता होते कौन है ये समझ लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। देवता गण बेसिकली भगवान के द्वारा नियोजित अधिकारी गण होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स। जैसे कि गवर्नमेंट में अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ना, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इत्यादि इत्यादि। तो वो उनका जिम्मेदारी क्या होती है कि वो अपने डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी करे और देश के नागरिक की सेवा करे। वैसे ही देवताओं के पास में सुपर पावर्स होती हैं, मटीरियल पावर्स होती हैं सामान्य इंसान से ज़्यादा, जिससे कि वो इन पावर्स के द्वारा लोगों की सहायता कर सके। तो हमें देवतागण वो चीज़ें देते हैं जो हमें चाहिए जीने के लिए। हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए, है ना, रोशनी चाहिए। तो जो शरीर को बनाए रखते हैं जो वस्तु है वो हमें उनसे प्राप्त होती है। और ये क्षमता उनको कौन देते हैं? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण देते हैं कि आप ये जिम्मेदारी निभाइएगा। तो यज्ञ क्या है? बेसिकली वो प्रोसेस है जिससे कि हम उनको संतुष्ट करते हैं, जिससे कि वो हमारी इच्छाओं को पूरी कर सके। ये भगवान का बनाया हुआ सिस्टम है कि आप खुश होना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ ना कैसे खुश हो सकता है व्यक्ति, कैसे अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। तो ये देवतागण अलग अलग प्रकार के हैं, बहुत सारे देवतागण हैं। किसी के पास में ज़्यादा पावर्स है, किसी के पास कम पावर्स है, कोई एक डिपार्टमेंट संभालता है, कोई दूसरे डिपार्टमेंट संभालता है। तो यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो 6 डिपार्टमेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इनसे संबंधित कौन कौन देवता है? आपने अवश्य इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। एटलीस्ट इंडिया में तो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि अलग अलग देवता के नाम क्या हैं, वो क्या कार्य करते हैं। तो बुद्धि के पीछे कौन है, कौन मैनेज इंचार्ज है, बुद्धि देने वाला? नेक्स्ट विद्या, फिर प्रकाश, जल, न्याय या दंड, हवा, एक एक करके बताएं, नंबर देकर बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझना आसान होगा हमारे लिए। तो बुद्धि कौन प्रदान करता है? हाँ, करेक्ट, आप में से कुछ लोग ने सही उत्तर दिया, गणेश जी। विद्या किससे आती है? सरस्वती देवी से। प्रकाश कौन देता है? सूर्य और चंद्र। जल, वरुण देवता। न्याय और दंड, यमराज जी। हवा, वायु देवता। जो ऐसे भगवान के अनेक असिस्टेंट्स हैं जो मटेरियल यूनिवर्स के गवर्नमेंट को संभालते हैं। तो अर्जुन कहता है ठीक है, समझ में आ गया, अब यज्ञ अगर कोई नहीं करेगा तो क्या? बहुत से लोग को तो यज्ञ के बारे में पता नहीं होता है, तो यज्ञ करेंगे कैसे? तो अर्जुन कहते हैं उनका क्या?
तो कृष्ण कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं और कहते हैं, सिंपल बात है अर्जुन, वो लोग चोर हैं। कैसे चोर हैं? क्योंकि उन्होंने इतना कुछ पाया लेकिन उन्होंने उसकी कीमत नहीं चुकाई। चोर उसी को तो कहेंगे ना, जिसने वस्तु ले भी ली और उसके लिए जो प्राइस पे करना था नहीं किया। वैसे ही यहाँ पर हम प्रकृति से लेते हैं लेकिन प्रकृति को लौटाते नहीं हैं, तो फिर एक प्रकार से वो थेफ्ट है, चोरी है, क्राइम है। तो कृष्ण बोलते हैं कि वैसे व्यक्ति को फिर गलत तरीके से कर्म करने का दंड मिलता है, क्योंकि उन्होंने लॉ को फॉलो नहीं किया। और फिर कृष्ण अर्जुन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं, वो एग्जाम्पल जो हर व्यक्ति के लिए समझना आसान है, भोजन का। कि हम हर दिन भोजन लेते हैं, कोई दो बार खाता है, कोई तीन बार, कोई पांच बार, कोई दस बार, एनीवे कितनी मात्रा में भी खाए, कितनी बार भी खाए, हर व्यक्ति प्रतिदिन भोजन करता है। तो ये भोजन उसे मिला कहाँ से? फैक्ट्री से तो नहीं, ऑफकोर्स फैक्ट्री में उसको प्रोसेस किया गया, लेकिन वो पृथ्वी से हमें मिला। वर्षा हुई तो भूमि ने हमें अनाज दिया, जल भी पृथ्वी से मिला, सब कुछ पृथ्वी से मिला, उसको मिक्स करके हमारा फूड बनता है। तो वो फूड हमें मिला है नेचर से, इसके पीछे देवतागण है। और हम इस फूड को, भोजन को प्राप्त करें और अगर हम इसे केवल ग्रहण कर लें, इसको ऑफर ना करें, तो ये एक प्रकार से गलत काम हो जाता है। क्योंकि आपने ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता को एक्सप्रेस नहीं किया, थैंक यू नहीं कहा कि आपने हमें ये भोजन दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को सिखाते हैं कि तुम्हें अगर भोजन मिला है भगवान की कृपा से, प्रकृति से, तो तुम्हें इसका भोग अर्पण करना चाहिए। लोग पूछते हैं ना, क्यों भगवान को भोग लगाएं? इसलिए नहीं क्योंकि भगवान भूखे हैं, इसलिए क्योंकि हम उनको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने हमें दिया है, तो हम कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। जैसे कि गंगा स्नान करने कोई व्यक्ति जाता है, गंगा में प्रवेश करता है, अपने पेट तक उसका पानी आ जाता है या कमर तक, तो फिर वो उसी गंगा जल में हाथ डालता है, अंजलि में पानी निकालता है और फिर वही अंजलि से पानी गंगा में डाल देता है। वहां से लिया वहीं पे डाल दिया, लेकिन ये एक्सप्रेशन है ग्रेटिट्यूड का। वैसे हमें भोजन भगवान से मिला है, हम उस भोजन को भोग के रूप में भगवान को ऑफर करते हैं और फिर प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। तो ये इस प्रोसेस को कहेंगे यज्ञ। कृष्ण ने कहा अर्जुन, इस यज्ञ को हर व्यक्ति को करना चाहिए। अगर वो यज्ञ इस भावना से करता है कि देवताओं को प्रसन्न करना है तो उसे कहेंगे देव यज्ञ, और अगर ये यज्ञ करता है कि विष्णु को प्रसन्न करना है तो उसको कहेंगे विष्णु यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करेगा तो उसको कहेंगे कर्मकांड, और भगवान विष्णु को प्रसन्न करेगा तो उसको कहेंगे कर्मयोग। ठीक है, तो इस विषय को अगर आपको और गहराई से जानना हो तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है, इसका नाम है फूड योगा, पॉल क्या नाम है उनका, रॉडनी, आई थिंक पॉल रॉडनी ट्यूनर, उन्होंने ये बताया है कि आप कैसे भोजन के द्वारा योग में प्रगति कर सकते हो, भोजन के द्वारा भगवान से जुड़ सकते हो और भोजन से अपने शरीर, मन और आत्मा को पोषण कर सकते हो। Eating has a very important role to play in spiritual life. आध्यात्मिक जीवन में हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कब खाते हैं, बहुत important role play करता है। तो उसको अगर आप गहराई से जानना चाहते हैं, इस book को आप refer कर सकते हो, जो इस concept पर आधारित है। फिर कृष्ण इसी चीज को और elaborate करने के लिए अर्जुन को एक cycle समझाते हैं कि कैसे हर चीज़ जुड़ी है, भगवान, देवतागण, वेद, हमारा कर्तव्य, यज्ञ, हमारा भोजन। वो कहते हैं भगवान आदि है, सब कुछ उनसे आया। तो भगवान ने वेद दिया मनुष्य को कि आपको जीवन कैसे जीना चाहिए। हम सभी सुखी रहना चाहते हैं, तो भगवान नहीं चाहते कि हम दुखी रहें, उन्होंने हमें बनाया, सृष्टि बनाई, तो उन्होंने हमें मैनुअल भी दिया है कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं, उस मैनुअल को वेद कहते हैं। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए कंपनी एक मैनुअल प्रोवाइड करती है कि आप उस प्रोडक्ट को बेस्ट यूज़ कैसे करो। तो ये शरीर को बेस्ट यूज़ करने के लिए हमें मैनुअल भगवान ने दिया, उसको वेद कहते हैं। तो उस वेद में बताया गया कि हमारा कर्तव्य क्या है। अगर हमें अपना कर्तव्य जानना है, ये हमें कहाँ से पता चलेगा? वेदों से पता चलेगा, शास्त्रों से पता चलेगा कि मेरा निर्धारित कर्तव्य, कर्म क्या है। और इस निर्धारित कर्तव्य को यदि हम कर्तव्य समझकर अनासक भावना से करेंगे और फल को जो है वो भगवान को अर्पित करेंगे, तो उस कार्य को कहेंगे यज्ञ। कोई भी कार्य यज्ञ हो सकता है। यज्ञ केवल एक होमक हो जिसमें स्वाहा स्वाहा मंत्र कहकर आहुति देते हैं, केवल उसको यज्ञ नहीं कहते, वो तो अनेक प्रकार के यज्ञों में से एक यज्ञ है। यज्ञ अर्थात कोई भी कार्य,
चाहे वो पढ़ाने का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो माता पिता हो बनकर बच्चों का परवरिश करने का हो या अपने माता पिता की सेवा करने का हो, चाहे वो देश में देश के लिए कार्य करने का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, कुछ भी हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, एनी एक्टिविटी जो सही है, शास्त्रों के अनुसार है, उसको यज्ञ बनाया जा सकता है। अगर व्यक्ति वैसा करेगा तो परिणाम क्या होगा, देवतागण प्रसन्न होंगे और वो जो प्रकृति की हमारे पर कृपा है उसकी बौछार कर देंगे। उसका एक उदाहरण कृष्ण ने दिया, वर्षा सही मात्रा में होगी, सही समय होगी तो हमें अन्न मिलेगा, भोजन मिलेगा, इससे हमारा जीवन बढ़ेगा और फिर हम इस संतुष्ट जीवन से भगवान की सेवा करेंगे। तो ये जो यज्ञ का चक्र है वो इस प्रकार पूरा हो जाएगा। अर्जुन को ये समझाया, बहुत सुंदर बात है ये, और ये साइंटिफिक है। इस संसार में बहुत लोग चूंकि ये नहीं समझते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए, वो लाइफ में अननेसेसरी प्रॉब्लम्स इन्वाइट कर लेते हैं, है ना। हम जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ पे सीखना तो होगा ना कि कैसे कार्य करना चाहिए। मैं कोई ऑफिस में काम करता हूँ तो उसका ऑफिस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो नहीं करूँगा तो मैं प्रगति नहीं कर पाऊँगा अपने काम में, मुझे वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। वैसे हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार को भगवान ने बनाया तो उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, हम उसके अनुसार जीते हैं तो हमारे लिए सुखी रहना आसान होता है, और उसके अनुसार नहीं जीते हैं तो वी ओनली इन्वाइट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो कृष्णा इसके द्वारा एक शिक्षा हमें दिए हैं जो हम सबको बहुत गहराई में हृदय में उतार लेनी चाहिए। क्या? एक कृतज्ञ व्यक्ति भगवान को हर वस्तु के लिए धन्यवाद देता है और सदैव आभारी रहता है। जिसके हृदय में कृतज्ञता है उसका हृदय संतोष से, आनंद से भर जाता है। अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ हैप्पी हार्ट, जॉयफुल हार्ट। तो कृष्ण ने ये जब बता दिया, अब अर्जुन को वो एक अलग तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे कि गलत क्या है, सही क्या है और बेस्ट क्या है। तीन प्रकार के कार्य हो सकते हैं जिसे टेक्निकली कहेंगे विकर्म, कर्मकांड, कर्मयोगा। विकर्म, कर्मकांड, कर्मयोगा। एग्जाम्पल देता हूँ समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को चॉकलेट खानी है, ठीक है, वो दुकान में जाएगा और देखेगा कि दुकानदार का ध्यान कहीं और है और वो चॉकलेट का डब्बा खोलेगा, उसमें से चॉकलेट निकालेगा और वहाँ से भाग जाएगा। इसको चॉकलेट खानी थी, करेक्ट, ये उसकी इच्छा थी, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए उसने क्या किया, गलत रास्ता अपनाया, तो उसके लिए उसको दंड मिलने वाला है। तो इस प्रकार के कर्म को विकर्म कहते हैं। मतलब विकर्म मतलब हम अपनी कोई इच्छा की पूर्ति के लिए गलत रास्ता अपनाते हैं जिससे कि हमें दंड मिल सकता है या मिलना चाहिए और मिलेगा भी, तो उसको कहेंगे विकर्म। भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम गलत कर्म करते हैं। गलत कहो या पाप कहो, बात एक ही है। पाप मतलब गलत, जिसमें हमने नियम तोड़ा है, संसार का, भगवान की बनाए हुई प्रकृति का नियम तोड़ा है, उसको पाप कहते हैं। कर्मकांड क्या है? कर्मकांड का अर्थ है कि मेरी भौतिक इच्छा है, मुझे चॉकलेट खानी है, लेकिन मैं उस चॉकलेट को चोरी करके नहीं खाऊंगा। मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, कीमत पूछूंगा, कीमत चुकाऊंगा, चॉकलेट लूंगा और फिर से खा लूंगा, मेरी इच्छा पूरी हो गई। विकर्म किया तभी इच्छा पूरी होती है, लेकिन दंड मिलता है। कर्मकांड किया, इच्छा पूरी हुई बस, लेकिन उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं हुई, बस इच्छा पूरी हुई, मेटीरियल डिजायर फुलफिल हो चुकी है लेकिन मुझे आध्यात्मिक प्रगति नहीं मिला है, तो उसको कहेंगे कर्मकांड। निर्धारित कर्म किया मैंने, शास्त्र में बताया हुआ कर्म किया, लेकिन भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए। नेक्स्ट है कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात चॉकलेट खरीदी दुकान से, फिर चॉकलेट को घर लेकर गए, उसको भगवान को ऑफर किया कि आपने दिया है हमें, फिर उस चॉकलेट को माता पिता को ऑफर किया कि आपने पैसे दिए इसको खरीदने के लिए, और फिर अंत में चॉकलेट को स्वीकार किया। अभी भी चॉकलेट खाने का आनंद मिला उस व्यक्ति को, लेकिन चूंकि उसने प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया, जहां ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए था वहां दिखाया, तो वो कार्य हो गया कर्मयोग। अब वो उसको आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ाएगा, उन्नति प्रदान करेगा, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे कर्तव्य भावना है, इच्छा भी है, लेकिन इच्छा बैकग्राउंड में है, आगे कर्तव्य है। कर्तव्य करने से व्यक्ति की इच्छा अपने आप पूरी हो जाती है, वो सेकेंडरी बात है। तो कृष्ण अर्जुन को
कर्म योग सिखाना चाहते हैं। विकर्म को रिजेक्ट करना, कर्म कांड को भी रिजेक्ट करना और कर्म योग के स्टेज पर कार्य करना, ये सिखाते हैं। तो इतना भगवान समझाए यहाँ पर अर्जुन को। और फिर वो अर्जुन एक प्रश्न कृष्ण से पूछते हैं कि अगर त्याग नहीं करना चाहिए, गलत है, तो जो लोग त्याग करते हैं उनका कोई कर्तव्य नहीं होता है क्या? तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हारी भौतिक इच्छा है तो तुम्हारा कर्तव्य है, भौतिक कर्तव्य है। जब तुम्हारी भौतिक इच्छा नहीं है तो तुम्हारा कोई भौतिक कर्तव्य नहीं है। जो लोग भौतिक इच्छा से मुक्त हो जाते हैं वो त्याग कर सकते हैं, वो संन्यास ले सकते हैं। लेकिन क्या तुम्हारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं? अर्जुन कहता है बिल्कुल, मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं। आपको चैप्टर वन में कहा तो था किमनो राज्य न गोविंदा किम भोगे जीवित न वा, कि हमें तो मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे यश नहीं चाहिए, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, तो मेरी तो कोई भौतिक इच्छा नहीं, फिर मैं क्यों युद्ध लड़ूं? कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य तो युद्ध लड़ने का ही है। तो अर्जुन अब समझ नहीं पाया कि अब मेरा कौन सा कर्तव्य रह गया। तो कृष्ण एक अर्जुन को समझाने के लिए एक बात कहते हैं जो हमारे लिए भी अप्लाई होती है। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कर्म नैव हि संसिद्धिम, दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए तुम काम करो, वर्क टू टीच अदर्स। अर्जुन कहता है इसका कोई एग्जाम्पल है? कृष्ण कहते हैं ना, पहले के समय में अतीत काल में महाराज जनक ने ऐसा किया था, वो एक मुक्त आत्मा थे, सेल्फ रियलाइज सोल, लेकिन वो दूसरों को सिखाने के लिए अपना कर्म कभी छोड़े नहीं, कर्म करते रहे, राजा बने रहे, बहुत अच्छे से प्रजा की सेवा की और प्रजा को आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दी, लेकिन वो चाहते थे तो संन्यास ले सकते थे। तो अर्जुन ने कहा अच्छा ऐसा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और डिटेल में बताओ। तो कृष्ण ये श्लोक कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। हर व्यक्ति जो एक जिम्मेदार व्यक्ति का भूमिका निभाता है, चाहे वो माता पिता हो, टीचर हो, दूसरे उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, एक कंपनी का मालिक हो, मैनेजर हो, मतलब हर एक व्यक्ति जिसके नीचे कुछ लोग काम करते हैं, उनके लिए श्लोक बहुत शिक्षाप्रद है कि महापुरुष जो कार्य करता है, महान व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति जो कार्य करता है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, बहुत बार तो आग बंद करके भी कॉपी करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। मतलब जिन व्यक्ति के पास में पावर है, पोजिशन है, उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए, वो जो कुछ भी करेंगे लोग बस ब्लाइंड उसको फॉलो करेंगे। तो अगर वो सही कर रहे हैं लोग सही करेंगे, वो अगर गलत कर रहे हैं तो लोग भी गलत मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। आज के समय की दुखद व्यवस्था यही है कि अधिकांश लोग जिनके पास पावर है, धन है, पोजीशन है, फेम है, वो लोगों के सामने गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और मासूम जनता उन लोगों के पीछे आग बंद करके चलती है, वो तो गड्ढे में गिर रहे हैं और जनता भी गिर रही है। ये हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को जो जिम्मेदार पद पर है एक आदर्श की स्थापना करनी चाहिए। अर्जुन कहते हैं मैं तो महापुरुष नहीं हूं। कृष्ण कहते हैं तुम हो अर्जुन, इस युद्ध भूमि में इतने जो लाखों सैनिक एकत्रित हुए उन सब के लिए तुमसे बड़ा आदर्श कोई नहीं है। वो लोग यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आए हैं, तुम कैसे युद्ध लड़ोगे, और अगर तुम रणभूमि छोड़कर चले जाते हो ठीक है, तुम संन्यास लेने के लिए योग्य हो सकते हो, लेकिन ये सब संन्यास लेने के लिए योग्य नहीं है। अगर तुम रणभूमि छोड़कर चले जाओगे तो ये भी तुम्हारे पीछे पीछे चले जाएंगे। ये बोलेंगे जब अर्जुन युद्ध से भाग रहा है तो हम क्यों युद्ध करें, हम भी युद्ध नहीं करने वाले, और इससे इन लोग का धर्म का त्याग हो जाएगा तो इनका आध्यात्मिक जीवन में पतन हो जाएगा, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो उनको सिखाने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए तुम प्लीज युद्ध लड़ो। शो देम बाय योर एग्जांपल, टीच देम बाय योर एग्जांपल, अपने उदाहरण से सिखाओ। अर्जुन कहता है अरे ये कहना बड़ा आसान है, दूसरों को सिखाने के लिए मैं युद्ध लड़ूं और अपने लोगों को मार दूं? तो कृष्ण कहते हैं कठिन है, मैं नहीं कहता आसान है, लेकिन ऐसा करना चाहिए। यही तो एक जिम्मेदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने सुख के बारे में न सोचकर जो उनके ऊपर
डिपेंड होते हैं उनके बारे में सोचें। तो अर्जुन कहते कृष्ण आप कह तो रहे हो बड़ी आसानी से कि आप भी ऐसा करते हो। कृष्ण कहते बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करता हूँ। और उसको अब जानने से पहले हम एक कहानी जानना चाहेंगे जो बहुत ही प्रेरणादायक है कि कैसे व्यक्ति जब कर्तव्य के अनुसार कार्य करता है तो वो दूसरे के हृदय को छू देता है, उसको प्रेरित करता है कि वो व्यक्ति भी धर्म के मार्ग पर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये व्यक्ति को जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, ये व्यक्ति कौन है। मोस्टली तो आपको पता होगा, इतना कठिन नहीं है पहचानना कौन है ये व्यक्ति। आपके उत्तर आए उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग पूछ रहे हैं क्विज के बारे में। क्विज आपको आज इस दिन के अंत में मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। क्विज सबको मिलेगा जितने भी अभी तक सेशंस हुए हैं। कुछ टेक्निकल अरेंजमेंट किया जा रहा है जिससे आपके लिए क्विज करना बड़ा आसान हो जाए। तो धैर्य बनाए रखिए और कोर्स में लगे रहिए। बिना सेशन अटेंड किए आप क्विज सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशंस अटेंड कीजिएगा। चाणक्य पंडित, वेरी गुड, सही उत्तर है। चाणक्य पंडित हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो चाणक्य पंडित के जीवन से आपको एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति चाइना से भारत आया। वो भ्रमण करता था, अलग अलग जगह जाता था। तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जाता है और वो देखता है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है इस राजा के शासन में। तो उसको आश्चर्य होता है कि ये राजा इतना अच्छा राज शासन कैसे कर सकता है। तो वो जानना चाहता है कि आपका सीक्रेट क्या है, हाउ आर यू सो परफेक्ट एवरीथिंग, आपकी प्रजा सुखी है, अनाज की कमी नहीं, सब कुछ अच्छा है और सब शांति से जी रहे हैं, पशु भी सुखी है, वृक्ष पेड़ पौधे नदियाँ सब वातावरण एकदम अच्छा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य से पूछते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं, नॉट एट ऑल, मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, इसके पीछे केवल एक व्यक्ति है। वो बोलते हैं कौन, वो मेरे मंत्री हैं, मेरे है ना गाइड हैं, मेरे गुरु हैं, और वो उनका नाम है चाणक्य पंडित। तो चाइनीज ट्रैवलर कहते हैं मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है आप वन में जाइए, वो वन में रहते हैं, वन में महल में नहीं, नहीं 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 वो वन में रहते हैं, उनकी छोटी सी कुटिया, वहाँ पर जाकर मिलिए, और कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, वो किसी से भी मिलते हैं। तो वो व्यक्ति जाता है चाणक्य से मिलने के लिए। जब वो जहाँ पहुँचता है चाणक्य से मिलने के लिए तो उस समय सायंकाल हो चुका होता है, थोड़ा सा अंधेरा रहता है। तो चाणक्य पंडित अपने छोटे से आश्रम में बैठ कर कुछ कार्य कर रहे थे। मेज पर कुछ कागज़ पर वो लिख रहे थे, वहाँ पर एक पॉट था और एक लैम्प चल रहा था। तो उसने स्वागत किया कि आप बैठो, और फिर कहा आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, मैं ये कार्य पूरा कर लूँगा फिर आपसे बातें करूँगा। तो कुछ समय बाद चाणक्य पंडित ने क्या किया, उसके सामने जो लैम्प जल रहा था उस लैम्प को बुझा दिया, लेके गया, और फिर दूसरा एक लैम्प जो वैसा ही दिखता था उसी साइज़ का जो उतनी ही रोशनी प्रदान करता था उसको जलाया, और वो वापस आकर बैठ गया और बातें करने लगा। तो ट्रैवलर समझ नहीं पाया, वो सोचने लगा अरे ये ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्या ये इंडियन ट्रेडिशन है कि कोई व्यक्ति आता है, गेस्ट आता है, तो आप एक लैम्प को बदल के दूसरा लैम्प जलाओ क्योंकि ये लैम्प तो बिल्कुल वैसा ही है, उतनी ही रोशनी देता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लैम्प क्यों जलाया। तो उसे रहा नहीं गया, उसने पूछा मान्यवर आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने लैम्प क्यों जलाया, उसमें तो उसमें भी उतना फ्यूल तो था, वो तो जल सकता था, तो लैम्प क्यों बदला आपने। तो चाणक्य पंडित उत्तर जो देते हैं उस व्यक्ति को छू जाता है। वो कहता है जब आप यहाँ पर आए थे मैं राजा का काम कर रहा था, तो मैं वो लैम्प यूज़ कर रहा था जो मैंने राजा के पैसे से खरीदा था, लेकिन अब वो काम पूरा हो चुका है, अब मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मेरा पर्सनल काम है, और मैं उस समय वो पैसे यूज़ नहीं कर सकता जो राजा ने मुझे अपने काम के लिए दिए थे, अब मैं अपने पैसों से जो लैम्प खरीदा हूँ उसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो जब उस व्यक्ति ने ये सुना तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ कि अगर किसी देश का मंत्री इतना ईमानदार होता है, इतना आदर्श स्थापित करता है, तो फिर फॉलोअर्स राजा क्यों नहीं वैसे होंगे, और उस कारण से ये देश समृद्ध देश है क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति आदर्श जीवन जीता है। तो इस प्रकार उस व्यक्ति ने शिक्षा ली और वहां से चला गया, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसको मिल गए। कृष्ण अर्जुन को बोले अर्जुन तुम ये सीखो, स्पिरिचुअल लाइफ इज ऑल अबाउट सेटिंग गुड एग्जांपल, एक अच्छा आदर्श स्थापित करना और लोगों को उससे सिखाना। तो अर्जुन कृष्ण से जब कहते हैं कि
आसान है कहना, कृष्ण कहते हैं आसान है कहना, करना कठिन है, लेकिन मैं भी करता हूँ। मुझे इस संसार में कुछ कार्य नहीं करना है, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ना मेरी कोई भौतिक इच्छा है, ना मुझे कोई चीज की कमी है और ना मेरे ऊपर कोई है। लेकिन फिर भी जब जब मैं अवतरित होता हूँ, मैं अपना निर्धारित कर्तव्य निभाता हूँ, जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति करता है। जब मैं राजा बनता हूँ तो राजा का कर्तव्य, जब किसी का बेटा बनता हूँ तो बेटा का कर्तव्य, जब एक ग्वाल बाल बनता हूँ तो ग्वाल बाल का कर्तव्य, जब विवाह करता हूँ तो एक पति का कर्तव्य, जब संन्यास लेता हूँ तो एक अच्छे संन्यासी का कर्तव्य। मैं जब भी आता हूँ अपना कर्तव्य निभाता हूँ, और इस तरीके से मैं पूरे समाज में एक अच्छा आदर्श स्थापित करता हूँ। और फिर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अगर अर्जुन तुम ऐसा नहीं करोगे तो जो होगा वो हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आपके क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जैसे कल आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, उसके चार कारण चैप्टर 1 में पता चले थे, और चैप्टर 2 में भगवान कृष्ण ने पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण का समाधान कर दिया था। चौथा कारण का समाधान कहाँ होता है? तो यहाँ वो होता है। तो उसको जानने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, अर्जुन का युद्ध न करने का चौथा कारण क्या था? अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था, बताने की कोशिश कीजिए। किसको याद है कि अर्जुन का युद्ध न करने का चौथा कारण क्या था? वेरी गुड, चिंतन जी कह रहे हैं कुल वंश का विनाश या कुल वंश का नाश, है ना, ये कारण था, कुल का नाश हो जाएगा, ऐसा अर्जुन कह रहे थे। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कुल का नाश होगा जब तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे। कुल का नाश तब होगा, कुल का नाश तब नहीं होगा जब कर्तव्य निभाया जाएगा, कुल का नाश होगा जब तुम कर्तव्य नहीं निभाओगे, धर्म का नाश तब होगा जब तुम कर्तव्य नहीं निभाओगे। तो तुम अपना कर्तव्य निभाओ। और फिर उस कारण का उत्तर यहाँ कृष्ण देते हैं, और कृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं जो हम सबके लिए नोट करने लायक है। कर्तव्य करो भले ही तुम्हें पसंद ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं करने से विनाश होता है, अपना जीवन, दूसरों का जीवन, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से। तो हमें कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। तो अर्जुन को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। अब अर्जुन और कुछ जिज्ञासा करना चाहता है, तो अर्जुन पूछता है कृष्ण से, कर्तव्य सबको करना है, लेकिन कुछ लोग अज्ञानता में कर्म करते हैं और कुछ लोग ज्ञान में कर्म करते हैं, दोनों में अंतर क्या है? आप मुझे ज्ञान के साथ कर्म करने के लिए बोल रहे हो, ये गीता की शिक्षा है जैसे हम चैप्टर 3 से सीख रहे हैं, तो एक ज्ञानी कैसे कर्म करता है और एक अज्ञानी कैसे कर्म करता है, इसके डिफरेंस को बताइए। तो कृष्ण अब एक बात कहेंगे जिसको आप प्लीज ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये चैप्टर 5 में, चैप्टर 13 में, चैप्टर 18 में फिर से आएगा और डिटेल के साथ में आएगा। तो कृष्ण कहते हैं, एक अज्ञानी इस भावना से कर्म करता है कि सब कुछ मैंने किया, आई डिड एवरीथिंग, ये जो सक्सेस मिली मेरे कारण, ये जो सफलता है इसका परिणाम जो भी है, संघर्ष मैंने किया, आई डिड इट, मेरे कारण ये सब कुछ हो रहा है, एक अज्ञानी व्यक्ति ऐसा सोचता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि कोई भी कार्य करने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं करता है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि एक ज्ञानी व्यक्ति ये जानता है कि उसने नहीं किया है। तो अर्जुन कहते हैं, तो कौन किया? अगर धनुष में से बाण छोड़ा तो मैंने छोड़ा ना, और किसने छोड़ा? तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि प्रकृति ने तुम्हारा साथ दिया, अगर प्रकृति साथ नहीं देती तो तुम नहीं कर पाते। तो केवल एक व्यक्ति करता नहीं है, कोई भी कार्य होने के पीछे बहुत लोग का योगदान रहता है। इस ज्ञान से जो व्यक्ति कार्य करता है वो ज्ञानी कहलाता है, जो इस ज्ञान से रहित होकर कार्य करता है वो अज्ञानी कहलाता है, जो अपने आप को केवल डूअर समझता है कि मैंने किया वो अज्ञानता में है, अज्ञान में है। और वो व्यक्ति जो ये समझता है कि अन्यों की सहायता से मैं माध्यम बना इस कार्य को करने के लिए, वो ज्ञान में है। तो ये कहने के बाद अब अर्जुन, ये सुनने के बाद अर्जुन एक और क्वेश्चन पूछते हैं, विद्वान भी कार्य करता है, ज्ञान और अज्ञानी भी कार्य करता है, तो विद्वान व्यक्ति कार्य क्यों करता है और किसके लिए करता है? यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देंगे
जहाँ कृष्ण भक्ति क्या है उसको बता देते हैं। कृष्ण कहते हैं एक विद्वान व्यक्ति को कार्य मेरे लिए करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कृष्ण के लिए। स्टूडेंट को पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। टीचर को क्यों पढ़ाना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। व्यक्ति को जॉब क्यों करना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कोई भी काम व्यक्ति को क्यों करना चाहिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तब वो भक्ति योग हो जाता है। तो कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन तुम मेरे लिए युद्ध लड़ो। कृष्ण अर्जुन कहते हैं आपके लिए? कृष्ण कहता है हाँ मेरे लिए, अपनी इच्छाओं के लिए नहीं, मेरे लिए। तो तुम आलस छोड़ो और मेरे लिए युद्ध लड़ो, क्योंकि मैं तुमसे युद्ध लड़ने के लिए कह रहा हूँ। अब व्यक्ति इस प्रकार जब कर्म करने लग जाएगा तो फिर वो मुक्ति को प्राप्त करता है, बंधन में नहीं पड़ता है, वो कर्म बंधन से छूट जाता है। तो ये कृष्ण ने समझाया यहाँ पर। और फिर अर्जुन अब एक नया पोल ले आएंगे, टॉपिक ले आएंगे इस पूरे कन्वर्सेशन में, और ये हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है। किस प्रकार प्रैक्टिकल है? आप प्रश्न पढ़ के समझ सकते हो। क्या? कि बहुत बार ये जानने वाला व्यक्ति कि सही क्या, गलत क्या, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस में उसका लाभ है किस में उसकी हानि है, फिर भी वो व्यक्ति गलत कर्म कर देता है। ऐसा हम सबके साथ में भी होता है, होता है कि नहीं होता है? आप ये क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि व्यक्ति जानता है कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कभी कभी कर बैठता है। ऐसा हमारे साथ होता है कि नहीं होता है? मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, अभी भी होता है। आप लोगों के साथ में होता है? यस, होता है। हम जानते हैं नहीं करना चाहिए, हमने अपने आप को बहुत बार समझाया है नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कर बैठते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं हम? ज्ञान में होने के बावजूद भी हमसे गलतियां क्यों हो जाती है, है ना? थैंक यू सो मच, आप लोग सबने ईमानदारी से हाँ कहा। तो हमसे गलती होती है, क्यों होती है? कृष्णा अर्जुन को कहते हैं क्योंकि हमारा ये स्वभाव बन चुका है, गहरा बद्ध स्वभाव, कंडीशन नेचर, और हम उस स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। इस स्वभाव को प्रकृति के तीन गुणों से बंध या बद्ध स्वभाव भी कहते हैं। तो ये प्रकृति के तीन गुण चैप्टर 13 में डिटेल में डिस्कस होंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति स्वभाव से लाचार होकर मजबूर होकर कर बैठता है, करना नहीं चाहता कर देता है। तो फिर अर्जुन कहते हैं हाँ ये बात तो सही है कि हमको कोई अंदर से लाचार मजबूर कर देता है। तो अगर हम उस स्वभाव को छोड़कर दूसरा स्वभाव अपना ले तो कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम अपना स्वभाव छोड़कर दूसरे का स्वभाव के अनुसार कार्य करने लग जाओगे तो उससे भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। मतलब तुम्हें अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करना होगा, लेकिन उस स्वभाव को शुद्ध करना होगा। तुम स्वभाव का त्याग नहीं कर सकते। तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते, तुम क्षत्रिय ही रहोगे। लेकिन क्षत्रिय रहते हुए भी तुम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हो, ब्राह्मण बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं स्वभाव को छोड़ा नहीं जा सकता, स्वभाव को शुद्ध किया जा सकता है। ये स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। आज के समय में स्पेशली मैं युवाओं को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग वगैरह देता हूँ, उनके साथ समय बिताता हूँ, तो मैंने देखा आज के समय में युवा बहुत कन्फ्यूज है। उनको पता नहीं है लाइफ में क्या करना चाहिए। आई मीन पढ़ाई कर लिया और बड़ी बड़ी डिग्रीज भी मिल गई और इतना अनुभव भी होने के बाद में भी उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हम क्या करें, मेरा नेचर क्या है, दुकान खोलनी है या फिर हमें जॉब करना है, इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, क्या करें? लोग स्वभाव नहीं समझते अपना। और जो लोग सालों साल से नौकरी भी कर रहे हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज के समय में व्यक्ति जो उसका स्वभाव है उसको छोड़कर बहुत कुछ दिखावे के लिए करता है और एट दी एंड वो खुद ही असंतुष्ट हो जाता है। तो हम अपना साइकोफिजिकल नेचर नहीं समझते। अर्जुन के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। वो जानता है वो क्षत्रिय है तो भाई उसको क्षत्रिय जैसा कार्य करना चाहिए ना, लेकिन वो ब्राह्मण जैसा बनना चाहता है। कैसा? अहिंसा, शांति, है ना, त्याग का जीवन। क्षत्रिय में ये गुण नहीं होते हैं, क्षत्रिय अहिंसा नहीं करता है, क्षत्रिय हिंसा करता है जहाँ जरूरत पड़ती है। क्षत्रिय शांति का जीवन नहीं जीता है, वो शत्रु पर आक्रमण करता है। ब्राह्मण अहिंसा का जीवन जीता है। तो अर्जुन यहाँ पर अपना साइकोफिजिकल नेचर से थोड़ा सा हट रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। गीता हमें हमारे साइकोफिजिकल नेचर पर ट्रेन करती है कि भाई आप अपने नेचर के अनुसार कार्य कीजिए। तो लेसन यहाँ पर ये है,
अपने स्वभाव साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार कार्य करने से ही भौतिक सुख मिलता है और भौतिक कार्यों में संतुष्टि होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जानें कि हमारा साइकोफिजिकल नेचर क्या है। अब इतना कुछ सिखा दिया कृष्ण ने इस चैप्टर में, फिर भी एक लास्ट सेक्शन बचा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही अर्जुन का क्वेश्चन फिर से आएगा, क्या मैं जानता हूँ मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जानता हूँ मुझे युद्ध करना चाहिए, मैं जानता हूँ ये मेरे लिए बेस्ट है, और मैं जानता हूँ मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो मेरे साथ में क्या होगा, क्या नुकसान पहुँचेगा मुझे, लेकिन मेरे अंदर कुछ है जो मुझे विवश कर रहा है और कह रहा है युद्ध मत करो। वो क्या है, वो अंदर क्या फोर्स है जो हमको गलत कार्य करवा देती है? कुछ तो है, हमारे अंदर से ही वो आता है, बाहर से नहीं आता। टेम्पटेशंस तो बेसिकली हम बोल सकते हैं बाहर से होती है, लेकिन टेम्पटेशंस को ट्रिगर करने वाले पॉइंट्स बाहर होते हैं, टेम्पटेशन का जो जड़ है वो तो अंदर होता है। तो अर्जुन बोलते हैं वो क्या है अंदर जो हमें मजबूर करता है। तो अर्जुन का क्वेश्चन है 36 श्लोक में, अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। वो कहते हैं क्या है अंदर वो जो हमें बलपूर्वक कुछ भी कार्य करने के लिए मजबूर कर देता है, हम लाचार हो जाते हैं और हम जो नहीं करना चाहते हैं हम कर बैठते हैं। हम कितनी बार कुछ बोलना नहीं चाहते लेकिन बोल बैठते हैं, हम कितनी बार किसी प्रकार से रिएक्ट नहीं करना चाहते लेकिन कर बैठते हैं। तो वो क्या है? और फिर कृष्ण अर्जुन को एक गीता में अलग ही दृष्टिकोण देते रहते हैं, जिसके लिए गीता हर व्यक्ति के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक बन जाती है। और वो क्या, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन अभी तक तुम केवल बाहर के युद्ध के बारे में सोच रहे थे, कुरुक्षेत्र में कौरवों से युद्ध लड़ना है, कर्ण तुम्हारा शत्रु है, विपक्ष दल के जो सेना में लोग हैं वो तुम्हारे शत्रु है, लेकिन अभी मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर जो शत्रु है उससे अवगत कराना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ तुम्हारे जीवन में दो युद्ध हैं, एक तो बाहर और एक अंदर। अर्जुन के लिए दो युद्ध थे, हमारे लिए शायद बाहर वाला युद्ध ना हो लेकिन हम सब के लिए ये अंदर वाला युद्ध तो है, जो हम अपने ही कमजोरियाँ बुराइयाँ इनसे लड़ते हैं, प्रतिदिन लड़ते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते अर्जुन बाहर का युद्ध तुम लड़ो, वो तो है लड़ना ही है, लेकिन उससे पहले ये अंदर के युद्ध को लड़ो, इसको जीतो। इसको तुम जीत गए तो बाहर का युद्ध तुम जीतोगे नहीं जीतोगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो गीता इज ऑल अबाउट लर्निंग टू फाइट एंड विन द इनर बैटल, अंदर का जो युद्ध है हमें लड़ना है, इस पर जीत प्राप्त करनी है। तो कृष्ण पहले तो वो अर्जुन का शत्रु क्या है जो अंदर बैठा है वो बताते हैं। कृष्ण कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विधियेनम इह वैरिणम। अर्जुन उस शत्रु का नाम है काम। काम मतलब इच्छा। कैसी इच्छा? भौतिक इच्छा, वासना। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और इस दुश्मन को पहले तुम्हें पहचानना होगा, जानना होगा। तो अर्जुन बोलते कृष्णा आपने एकदम ठीक पकड़ लिया, ये ही वो शत्रु है, लेकिन इस पर जीतना आसान नहीं। तो कृष्ण कहते हैं सही बात है, जीतना आसान नहीं है, और अगर तुम लड़ोगे ही नहीं तो जीतोगे भी नहीं। बहुत लोग तो अपनी कमजोरियों के सामने पहले घुटना टेक देते हैं कि मैं तो भाई ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन हम जितने ज़्यादा अपने आप को इस शत्रु के सामने लाचार बना देंगे उतना ज़्यादा शत्रु और ज़्यादा हावी होता जाएगा हमारे ऊपर, है ना। हमारी जो कमजोरियां हैं अगर हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे कमजोरियां जाएंगे नहीं। हम जितना ज़्यादा उनके सामने घुटने टेकेंगे उतने ज़्यादा वो बलवान होते जाएंगे। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन तुम्हें इसे सामना करना ही होगा और युद्ध लड़ना ही होगा, और तुम ऐसे कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, संभव है कि तुम इस शत्रु पर जीत प्राप्त करो, लेकिन उसके लिए अभी तुम्हें युद्ध करना शुरू करना होगा। और फिर ये जीत संभव कैसे है इसको समझाने के कृष्ण ये एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, आप तीन चित्र देख पा रहे हो। एक है जिसमें आपको जलती हुई लकड़ी दिख रही है जिसके ऊपर थोड़ा सा धुआं है, दूसरा है आपको एक आईना दिख रहा है जिसपे धूल लगी है, और तीसरा आपको एक
शिशु दिख रहा है जो गर्भ के अंदर है। यहां पर एक वस्तु को दूसरा वस्तु ढक रहा है, जैसे कि आग को धुआं ढक रहा है, आईने को धूल ढक रही है, और जो शिशु है उसको गर्भ ढक रहा है। इनमें कौन सा आवरण सबसे गहरा है? सिंपल सा है आंसर इसका, थर्ड, जहां पर बच्चा माँ के गर्भ में उसमें जो कवरिंग है वो सबसे गहरी है, और वो गहरी कवरिंग होने के कारण बच्चे को बाहर क्या है कुछ नहीं दिखता है, रोशनी भी नहीं आती है, सुनाई भी नहीं पड़ता है कि नहीं। और सबसे कम कवरिंग कहाँ पर है? अग्नि के ऊपर धुएं की कवरिंग जो है वो सबसे पतली कवरिंग है। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि ये जो काम की बीमारी है, शत्रु है ये हमारा, ये हर प्राणी में है, सब में है, लेकिन मनुष्य में कम है, पशु में उससे ज़्यादा है, और वृक्ष में सबसे ज़्यादा है। तो वृक्ष और पशु ये तो प्री प्रोग्राम जैसा ही जीवन जीते हैं, इनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है, इनका लाइफ बेसिकली प्री डिसाइडेड होता है कि ये क्या करेंगे कैसे करेंगे। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स को ये कैपेसिटी मिली है कि वो अपने जीवन को बदल सके, अपने स्वभाव को बदल सके, अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपना सके। ये उनके पास में एक्स्ट्रा एबिलिटी है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कम गहरी है और उसको सॉल्व करना संभव है। तो कृष्ण अर्जुन को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि अर्जुन तुम एक ह्यूमन बीइंग हो, तुम एक पशु नहीं हो, तुम एक वृक्ष नहीं हो, और ह्यूमन बीइंग होने के कारण तुम्हारे पास में विल पावर है, कैपेसिटी है कि तुम अपने आप को बदल सको। तो अर्जुन मोटिवेट हो जाता है, तो अर्जुन बोलता है ठीक है कोशिश करेंगे, तो इस शत्रु से कैसे लड़ें। तो अब कृष्ण उसका उत्तर देने के लिए अर्जुन को जो कहेंगे उसको समझने के लिए आपको एक प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप एक स्क्रीन पे अभी फोटो देखोगे तो बेसिकली प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आएगा, उसको उत्तर देने की कोशिश कीजिए कि अगर हमें शत्रु को मारना है तो उससे पहले क्या पता लगाना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो सेनाओं के बीच में युद्ध है या दो आर्मीज लड़ रही है और शत्रु को मारना है तो उससे पहले क्या करना होगा, एक आर्मी को क्या करना होगा, ये सोल्जर्स को क्या करना होगा? लोकेशन, वेरी गुड, थैंक यू। क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है, कृष्ण क्षत्रिय की भाषा में अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, सिंपल। तो अर्जुन को वैसे ही एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, वैसे उदाहरण दे रहे हैं, वैसे ही समझा रहे हैं। एक शत्रु को मारना है तो शत्रु को पहले ढूंढना है, उसकी वीक पॉइंट स्ट्रैटेजी बनानी है, शत्रु कहाँ है ये जानना है। तो कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले बोलते हैं कि जो हमारे हृदय के अंदर शत्रु बैठा है वो दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, तो कहते तीन जगह पर छुपा है। कहाँ? प्लीज़, ये हम सबके लिए अप्लाई करता है, हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर। ये तीन लोकेशंस हैं जहाँ पर शत्रुओं ने डेरा डाल रखा है। और कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम अब लड़ो, और कहाँ से लड़ाई शुरू करो? फर्स्ट, जहाँ पर शत्रु सबसे कमज़ोर है वहाँ से लड़ाई शुरू करो। और वो कहाँ है? शत्रु इंद्रियों पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, तो इंद्रियों पर लड़ना शुरू करो, मतलब अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो। क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो, क्या बोलते हो, सेंसेस को थोड़ा रेगुलेट करो, है ना, सेंस कंट्रोल करो, और बुद्धि को बलवान बनाओ। दो चीज़ कृष्ण कहते हैं, और तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम आत्मा हो, आत्मा बुद्धि से बलवान है, बुद्धि मन से बलवान होता है, मन इंद्रियों से बलवान होता है, आत्मा सबसे बलवान है, तो आत्मा इन तीनों के ऊपर में कंट्रोल कर सकती है। इसलिए अर्जुन स्टार्ट विथ सेंसेस, इंद्रियों को निशाना बनाओ और साथ ही साथ बुद्धि को बलवान बनाओ, फिर तुम धीरे धीरे मन पर भी जीत प्राप्त कर लोगे, बुद्धि पर भी जीत प्राप्त कर लोगे। तो अर्जुन अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं इस शत्रु पर जीत प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं इस शत्रु पर जीत प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इस शत्रु पर जीत प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि और बल चाहिए, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल पावर। अर्जुन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? अगर आप अर्जुन की जगह पर होगे तो आप कृष्ण से क्या पूछोगे? कृष्ण ने कहा शत्रु पर जीत प्राप्त करनी है तो आपको चाहिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस है ना, आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बल चाहिए। तो हम अगर अर्जुन की जगह पर होंगे कृष्ण से क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? कृष्ण ने कह दिया कि ये चीज चाहिए, ओके। किसी ने कहा वॉट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वेरी गुड, और कुछ? हाउ टू गेट दैट, परमिता जी, वेरी गुड, थैंक यू, ज्योत्सना जी, थैंक यू सो मच। तो जैसा आपने ये
चाहा जानने को कि हमें कैसे मिलेगी, अर्जुन ने भी वही चाहा। उत्तर क्या है? आध्यात्मिक बुद्धि और शक्ति कैसे प्राप्त करेंगे, हाउ विल आई गेट दैट। और फिर कृष्ण उत्तर देते हैं, दिव्य ज्ञान से ये मिलेगा। और इसके साथ ये चैप्टर पूरा हुआ। वो दिव्य ज्ञान क्या है वो कृष्ण चैप्टर 4 में अर्जुन को समझाएंगे। गीता बहुत ही सिस्टमैटिक स्क्रिप्चर है, एक एक प्रश्न हमको आगे की ओर ले जाता है, कुछ भी हौचपौच नहीं है, ऐसा नहीं कहीं से कुछ भी कह दिया। एक डायलॉग चल रहा है, एक संवाद चल रहा है, एक डिस्कशन चल रहा है, क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं और उसका कनेक्टिंग लिंक है। तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हुआ कि आध्यात्मिक बल कैसे मिलेगा, कृष्ण ने कहा दिव्य ज्ञान से मिलेगा। दिव्य ज्ञान क्या है, चैप्टर 4 जो हम नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हमने जाना जो अपने बारे में, सेल्फ के बारे में, ये कर्म योग का है, कर्म के द्वारा योग, कर्तव्य को जानो और ये स्वयं की कैटेगरी में बिलोंग करता है। 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट शिक्षाएं आप सभी के लिए कि पहला, हमारी इच्छाएं हैं उसे नेग्लेक्ट मत कीजिए, उसे डिनाई मत कीजिए। गीता हमें इच्छाओं को इनकार करने के लिए नहीं कहती है, गीता हमें इच्छाओं को शुद्ध बनाने के लिए कहती है। मुझे अच्छा खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छा खा सकता हूँ, लेकिन उस अच्छे भोजन को पहले भगवान को ऑफर करो और फिर खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम हर कार्य को कर सकते हैं जो ऑफकोर्स सिंफुल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उस कार्य को कैसे करना है, सही तरीके से करना है, गीता वो सिखाती है। तो गीता बेसिकली, बहुत ही गलत धारणा है कि गीता हमें बस चीज़ों को छोड़ने के लिए कहती है, नहीं, गीता हमको चीज़ों को सही तरीके से अपनाने के लिए कहती है, गलत तरीके को छोड़ने को कहती है, चीज़ों को छोड़ने को नहीं कहती। नेक्स्ट, कर्म का क्या नियम क्या सिखाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। कर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कहना बड़ा आसान है और लोग बात बात में कह देते हैं जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, लेकिन वो सोचते नहीं है कि भाई जैसा मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने वैसा किया है। तो जब मिल रहा है फिर हमें कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई मी, मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं। आपने इनपुट कैसा किया, आपने इन्वेस्टमेंट कैसा डाला, आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते। अगर हमें अच्छा परिणाम मिलता है तो हम कभी भगवान से बोलते हैं, भगवान आपने मुझे जितना मैं डिजर्व करता ना ज़्यादा दे दिया, मैं तो डिजर्व भी नहीं करता था। तब तो हम बोलते हैं मेहनत की थी, मैंने इतना संघर्ष किया, कितने पापड़ बेले, जब जाकर मुझे ये मिला। तब हम कर्मा का जो सिद्धांत है पूरा डॉट्स एकदम अच्छे से जोड़ते हैं, मैंने किया तो मुझे मिला। लेकिन जब हमको कुछ गलत मिलता है तो हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, उसके कारण भगवान के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो कर्म का नियम अर्जुन अच्छे से जानता है कि हर एक वचन मुख से निकलता है, हर एक विचार मन में जो आता है, हर एक कार्य हम जो शरीर से करते हैं, सब कुछ हमारा फ्यूचर बनाता है। तो इसलिए अर्जुन कर्म को बहुत गहराई से यहाँ डिस्कस कर रहा है ताकि वो समझ सके, विकर्म ना करे, कर्मकांड भी ना करे, कर्मयोग करे। तीसरी शिक्षा कि हमें सेल्फ सेंटर्ड लाइफ से पीपल सेंटर्ड लाइफ जीना सीखना होगा। केवल अपने बारे में मत सोचिए, वो बहुत ही सेल्फिश भावना है। क्या सोचना चाहिए कि मेरे कार्य से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे, ऐसा मैं कार्य करूँ, पूरे विश्व को लाभ पहुँचे, पूरी प्रकृति को लाभ पहुँचे, ऐसा कोई कार्य करूँ, ना केवल मुझे लाभ पहुँचे। हमें इंडिविजुअल हैप्पीनेस से कलेक्टिव हैप्पीनेस की ओर बढ़ना है। तो अर्जुन को कृष्ण गीता में वो बता रहे कि तुम अपने बारे में क्यों सोच रहे हो, तुम इन सबके बारे में क्यों नहीं सोच रहे, तुम ये क्यों सोच रहे तुम्हारे लिए क्या सही है क्या अच्छा है, तुम ये क्यों नहीं सोच रहे क्या मैं करूँ जिससे सबका अच्छा हो, सबके लिए आदर्श स्थापना करने के लिए क्यों नहीं सोच रहे हो। तो ये हमें, जैसे जैसे हम ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअली भी मटीरियली भी, हमें अपने आप को सेंटर से हटाकर पहले तो दूसरों को सेंटर में रखना सीखना चाहिए, और अंत में जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में पहुँच जाता है तब उसको फिर भगवान को सेंटर में रख कर हर कार्य करना चाहिए। चौथी शिक्षा, ये जो इनर बैटल है, ये गीता का मुख्य संदेश है कि ये बैटल हमको जीतनी है, हम सबके अंदर है और हमें उससे लड़ना है ताकि हम अपने अंदर में जो कमियां हैं उससे ऊपर आ सके और फिर हम अपने आप जीवन में एक पूर्णता का अनुभव करेंगे। लास्ट कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि ये इनर बैटल कठिन है लेकिन आप जीत सकते हो, प्रोत्साहन देते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं। तो गीता पेसिमिज्म से भरी नहीं है
कि देखो प्रॉब्लम्स हैं, दुख हैं, कष्ट हैं और हमारे अंदर कमियां हैं, तो लोग कभी कभी ये सुनते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हम तो अपने बारे में कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना क्वालिफाइड हूँ और मुझमें तो कोई कमी नहीं है। लेकिन गीता तो हमें ये बताती है कि हमारे अंदर कमियाँ हैं। तो गीता हमें पेसिमिस्टिक नहीं बनाना चाहती है, गीता हमें रियलिस्टिक बनाना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ ऑप्टिमिज्म भी प्रोवाइड करती है कि ये रियलिटी है, हम समस्या में हैं लेकिन समस्या का समाधान भी है। भाई ये नहीं गीता कह रही कि आपकी समस्या ही नहीं है, गीता कह रही है समस्या है लेकिन समस्या का समाधान भी है। तो कृष्णा अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं कि अर्जुन ये शत्रु है तुम्हारे अंदर लेकिन तुम जीत सकते हो, है ना। और वो ज्ञान चैप्टर 4 में मिलेगा। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है चैप्टर 4 के लिए नेक्स्ट सैटरडे अवश्य जुड़िएगा। इस पूरे चैप्टर को एक दृष्टि में देखेंगे। अर्जुन का प्रश्न था कर्म या त्याग, करूं या छोड़ू। कृष्ण कहते हैं करो, निष्काम कर्म योग करो। फिर वो कर्मकांड, कर्म योग और यज्ञ इस विषय को समझाते हैं। आगे वो बताते हैं कि निष्काम कर्म से के द्वारा तुम दूसरों को कैसे प्रेरित कर सकते हो, एक अच्छा उदाहरण स्थापित कर सकते हो। लास्ट में अर्जुन का प्रश्न था कि मैं गलत कार्य करने के लिए विवश हो जाता हूँ, कौन करता है? तो कृष्ण कहते हैं तुम्हारा शत्रु जो तुम्हारे अंदर बैठा है उसको कहते हैं काम, वो करवाता है। और उस पर जीत कैसे प्राप्त करनी है चैप्टर 4 हमें वो बताएगा। आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। आप सभी के क्वेश्चंस जो भी हैं आप अभी भेजना शुरू कर सकते हैं। कुछ समय है हमारे पास, 10 मिनट के आसपास, 15 मिनट आपके क्वेश्चंस जो आज के सेशन से संबंधित हो प्लीज वो पूछिएगा। इन जनरल क्वेश्चंस मत पूछिएगा, आज के सेशन से संबंधित क्वेश्चंस पूछिएगा। क्वेश्चंस को स्क्रीन पे लाया जा सकता है प्लीज। नमन गोयल जी, क्या कर्म योग और भक्ति योग एक ही है? देखिए कर्म योग और भक्ति योग में समानताएं भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं, है ना। कर्म योग में कर्म प्रधान होता है, भक्ति योग में भक्ति प्रधान होता है। डिफरेंस क्या है? हम कोई कार्य को करते हैं और फिर उस कार्य का परिणाम भगवान को देना चाहते हैं, वो कर्म योग है। लेकिन हम कोई कार्य को करते ही इसलिए कि हम उस कार्य से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो भक्ति योग है। दोनों में अंतर हो गया। कर्म योग में मैं वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है लेकिन उसका रिजल्ट भगवान को देता हूँ, और भक्ति योग में मैं वो करता हूँ जो भगवान को अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है अंतर आपको? एक है मैं वो करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है लेकिन परिणाम भगवान को देता हूँ, वो है कर्म योग। भक्ति योग मैं वो करता हूँ जो भगवान को अच्छा लगता है, जो भगवान मुझसे करवाना चाहते हैं। तो ये सटल डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा का क्या धर्म है? भगवान की भक्ति करना, उसको भागवत धर्म कहते हैं, है ना। आत्मा का संबंध परमात्मा से है तो परमात्मा से जुड़कर कार्य करना, उनकी सेवा करना, ये आत्मा का धर्म है। ये आत्मा का धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम अगर हम लोगों की सहायता करें अपनी कुछ सैलरी का भाग देके तो क्या है भगवान की सेवा है? जी नहीं, ये लोगों की सेवा है, ये भगवान की सेवा नहीं है। क्योंकि आप लोग की सेवा करें तो वो लोग की सेवा होगी, भगवान की सेवा कैसे होगी? अगर आप भगवान की सेवा करते हो और उस सेवा का जो लाभ है उससे लोगों को लाभ पहुंचाते हो तो वो लोगों की सेवा होगी और भगवान की भी सेवा होगी, है ना। तो ये बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है लोगों को, मिसअंडरस्टैंडिंग कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ऐसा नहीं है, सर्विस टू गॉड इज सर्विस टू मैन एक्चुअली। क्योंकि देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर एक वृक्ष है उस वृक्ष के अलग अलग इतनी सारी पत्तियां होती हैं, अगर मैं केवल 10 पत्तियों को पानी दूं उससे पूरा वृक्ष को तो पोषण नहीं मिलेगा ना। उसी प्रकार अगर हम कुछ लोगों की सेवा करेंगे इससे भगवान की सेवा कैसे हो जाएगी? क्योंकि भगवान की संतान तो सब है। तो अगर आपने 10 लोगों की सेवा की और फिर विश्व में इतने सारे लोग हैं उनकी सेवा नहीं की तो आप कैसे बोल सकते हो मैंने पूर्ण की सेवा कर दी? क्योंकि पूर्ण में तो सबके सब आ गए। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं और उस सेवा का जो परिणाम आता है उससे लोगों की सेवा करते हैं तब वो वास्तविकता में भगवान की सेवा और लोगों की सेवा मानी जाती है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, भूखा व्यक्ति है, अगर आप उसको केवल भोजन खिलाओगे तो आपने उसकी सेवा की है। लेकिन अगर आप भूखे व्यक्ति को भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद खिलाओगे तो भगवान की भी सेवा होगी, उस भूखे व्यक्ति की भी सेवा होगी। तो फर्स्ट सर्व गॉड देन सर्व ह्यूमैनिटी।
We don't say कि don't serve humanity. We say serve God, serve humanity. भगवान की सेवा कीजिए और फिर लोगों की सेवा कीजिए. Next question. निशा जी, नेचर के अकॉर्डिंग काम करें, ऐसा कहाँ कृष्ण ने तो फिर अलग अलग जाति के लोग इस कौन से जोड़ते हैं, वो तो ब्राह्मण नहीं जाति. तो गलत नहीं है, क्योंकि कोई आध्यात्मिक संस्था में दो प्रकार के कार्य होते हैं. आप शायद इस्कॉन को गहराई से जानते नहीं हो. इस्कॉन में हर व्यक्ति हर एक ही प्रकार की सेवा नहीं करता है. इस्कॉन में भी नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की सेवाएं करते हैं. लेकिन जैसा मैंने सेशन में बताया था, दो प्रकार के धर्म है, आत्मा का शरीर का. तो भगवान का नाम जप करना ये आत्मा का धर्म है, ये कोई भी कर सकता है. भगवान के विग्रह के दर्शन करना आत्मा का धर्म है. गीता को पढ़ना सुनना आत्मा का धर्म है. ये सेवा हर एक व्यक्ति करता है. लेकिन शरीर के अनुसार और स्वभाव के अनुसार अलग अलग सेवाएं भी होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेशन चल रहा है इसमें मैं जो कार्य कर रहा हूँ अपने स्वभाव के अनुसार कर रहा हूँ. लेकिन हर व्यक्ति पढ़ाने का कार्य नहीं करता है. हर व्यक्ति के पढ़ाने की सेवा नहीं होती है. किसी और व्यक्ति की कुछ और सेवा होती है. किसी व्यक्ति की सेवा होती है बुक्स को छापना, किसी की सेवा होती है बुक्स को सेल करना, किसी की सेवा होती है कि मंदिर को साफ करना. तो ये स्वभाव के अनुसार अलग अलग सेवाएं भी हो सकती है, है ना. और इसका समावेश हर जगह है, भौतिक संस्था में, आध्यात्मिक संस्था में, सब जगह. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हितेशी, वॉट इफ यू कैन नॉट ऑफर ऑल द मीन्स ऑफ अ डे टू कृष्णा. तो कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑफर करें. और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो शुद्ध नहीं है, तो अगर शुद्ध नहीं है तो आप क्यों खाते हैं. जब शुद्ध नहीं है तो आपको भी नहीं खाना चाहिए. शुद्ध है तभी आपको खाना चाहिए ना. तो हमें ऐसा तो नहीं है कि हमारे बस भगवान को शुद्ध ऑफर करना है, हम चाहे कुछ भी खाएंगे. हमें भी शुद्ध खाना चाहिए. इसलिए प्रिंसिपल होना चाहिए कि हम शुद्ध ऑफर करेंगे और शुद्ध खाएंगे, है ना. और जो शुद्ध नहीं है उसको नहीं खाना चाहिए. नेक्स्ट, विशाल जी, थैंक यू. व्हाई इज लस्ट मच डिफिकल्ट और बिगर एनिमी टू डील विद देन माइंड. क्योंकि मन वास्तविकता में मित्र भी हो सकता है, लेकिन लस्ट मित्र नहीं हो सकता है. मन तो लस्ट का स्थान है, समझने की कोशिश कीजिए. मन शत्रु भी बनता है, मित्र भी बनता है. डिपेंड करता है कि मन में आपने किसको जगा दी है, प्रेम को जगा दी है या काम को जगा दी है. वास्तविकता में शत्रु मन नहीं है, शत्रु काम है. लेकिन चूंकि काम मन में बैठ गया है तो मन भी शत्रु बन चुका है. समझने की कोशिश कीजिए. मन साथी भी होता है, शत्रु भी होता है. काम केवल शत्रु होता है, साथी कभी नहीं होता है. क्योंकि काम मन पर बैठा है तो मन शत्रु बन गया है. इसलिए एक्चुअली हमारा जो ओरिजिनल शत्रु है वो काम है. हमारी गलत इच्छाएं, हमारी गलत विचार, गलत सोच, ठीक है. और काम प्रेम के बिल्कुल विपरीत है. चूंकि प्रेम से ज्यादा बलवान सकारात्मक शक्ति नहीं, तो काम चूंकि प्रेम का ऑपोजिट है, काम से ज्यादा बलवान नकारात्मक शक्ति नहीं. सिंपल सी बात है. There is nothing more powerful than love positively, so there is no nothing powerful more than lust negatively. Next question. Shikha ji ka question, how to know our psychophysical nature? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका. तो साइकोफिजिकल नेचर को जानने के लिए हमें एक पूरा लंबा सेशन लेना पड़ेगा. लेकिन मैं आपको दो मिनट में इसका उत्तर ऐसे देता हूँ. जो भी कार्य आप केवल कार्य के लिए करते हो, उसके लिए नहीं करते कि इससे मुझे परिणाम क्या मिलेगा, वो आपका नेचर है. अगर आप कोई कार्य इसलिए करते हो कि मुझे इससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, इसके कुछ एडेड बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे, तो वो आपका नेचर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. लेकिन जो कार्य करना आपको नेचुरली अच्छा लगता है, जो कार्य करने से ही आपको संतुष्टि मिलती है, उसके बाद में आपको उसका परिणाम चाहे कुछ भी मिले, यू डोंट केयर, वो आपका नेचर है. तो हम अपने नेचर को जान सकते हैं अपने आप को एनालाइज करके, दूसरों से गाइडेंस लेके, काउंसलिंग लेके कि भाई मेरा नेचर क्या है. तीसरा, हम आयुर्वेद कंसल्ट कर सकते हैं. चौथा, हम एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट कर सकते हैं. तो इन चार चीज़ें से हम समझ सकते हैं हमारा नेचर क्या है. खुद के इंट्रोस्पेक्शन से, दूसरे जो हमको बहुत करीबी से जानते हैं उनके सलाह से, एडवाइस से, तीसरा आयुर्वेद से, चौथा एस्ट्रोलॉजी से. ओके, चार चीज़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन. संदेश जी, हमें भगवान कृष्ण से प्रे क्यों करनी चाहिए? क्यों? भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. आप प्रे तो किसी से भी कर सकते हो. आप प्रे एक सामान्य इंसान से भी कर सकते हो.
प्रे करने के लिए कोई वो नहीं है, नियम नहीं है। आप एक सामान्य व्यक्ति के सामने जाकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, मुझे आप ये दे दीजिए। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति किसके सामने प्रार्थना करेगा? जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, करेक्ट। तो चूंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए व्यक्ति कृष्ण से प्रार्थना करेगा, क्योंकि कृष्ण सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सुप्रीम कंट्रोलर है। दूसरे लोग भी जो दूसरों की इच्छा पूरी करते हैं, वो कृष्ण की कृपा से ही पूरी कर पाते हैं। ऐसा कृष्ण आगे हमें गीता में बताएंगे कि देवतागण भी अपने भक्तों को जो देते हैं, भगवान कृष्ण की अनुमति और कृपा से ही देते हैं। इसलिए हमें कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए। माई नॉट गो टू द सुप्रीम, मोस्ट सुप्रीम, उसमें इंटेलिजेंस की बात है। ऐसे तो हम चाहे किसी से भी प्रे करें, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई कर्मा, व्हाट इज बाई कर्मा? इफ अ किड समवन डज अ मिस्टेक इन इग्नोरेंस, अच्छा विकर्मा, ओके विकर्मा। अगर बच्चा कोई गलती करता है अज्ञानता में, तो उसे विकर्मा समझना चाहिए। देखिए डिपेंड करता है कि क्या गलती किया उसने। अभी आप चॉकलेट वाले उदाहरण लेकर पूछना चाहते हो तो वो एक छोटी गलती है लेकिन अगर उस बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये बहुत बड़ी गलती है इसलिए डिपेंड करता है कैसी गलती की है उसने। अगर छोटी गलती की है तो उसका छोटा परिणाम होगा, करेक्ट। बड़ी गलती है तो बड़ा परिणाम, लेकिन गलत गलत होता है और उसका दंड भी उतनी मात्रा में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्काम कर्म क्या है? निष्काम, निष्काम मतलब बिना किसी भौतिक कामना के किया हुआ कर्म, उसे निष्काम कर्म कहते हैं, ड्यूटी के साथ। हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे, एक दो क्वेश्चन और फिर समाप्त करेंगे। आपको अन्य कोई क्वेश्चन आप वेडनेसडे के सेशन में जुड़ सकते हैं पूछने के लिए, वन और टू मोर क्वेश्चन। हमको कैसे पता चलेगा हमारा स्वभाव क्या है? ये उत्तर तो अभी अभी हमने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति कैसे जुड़ी हुई है हमारे कर्मों से? ओ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए प्रकृति से हमें शरीर मिला है और इस शरीर के ऊपर में प्रकृति का नियंत्रण है, उस प्रकार से प्रकृति हमारे कर्मों को भी डिसाइड करती है, और इसको हम गहराई से चैप्टर 13 में जानेंगे। आपको बहुत अच्छा प्रश्न है, आप समझ रहे हैं ना, शरीर क्या है? प्रकृति की देन है, उस शरीर पर प्रकृति का कंट्रोल है, तो इसलिए प्रकृति और इस शरीर के द्वारा जो कर्म होता है उसके बीच में एक रिलेशनशिप है। सिंपल सी बात है, अब गहराई से हम चैप्टर 13 में डिस्कस करेंगे, 13, 14, 15, 16, 17। लास्ट क्वेश्चन, आप सबके बहुत प्रश्न आ रहे हैं, क्षमा चाहेंगे, हम सब तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन वेडनेसडे को रहेगा सेशन, उसमें आप प्लीज़ पूछिएगा। क्या क्वेश्चन है ये? द कौरवाज हैड फॉलोड इनइक्विटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सो व्हाई डिड दे फाइट इन अकॉर्डेंस विद ऑल द रूल्स ऑफ वॉर? ना, आपने महाभारत शायद पढ़ी नहीं है, पढ़िए। कौरवों ने बहुत बार नियमों को तोड़ा भी है सबसे ज़्यादा नियम तो उन्होंने जब अभिमन्यु का वध किया था तब तोड़ा था, सारे नियम तोड़ दिए थे अभिमन्यु का वध करने के लिए। और कर्ण ने सबसे ज़्यादा नियम तोड़े थे, जिसको लोग इतना आइडियल हीरो समझते हैं, वो कर्ण ही था जिसने अभिमन्यु के आर्मर को, है ना, कवच को पीछे से काटा था, जो कि युद्ध के नियमों के खिलाफ था। तो कौरव ने बहुत नियम तोड़े थे और फिर उसके बाद में तो वो एक प्रकार से बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस का युद्ध हो चुका था। तो शुरू शुरू में उन्होंने अच्छा किया, लेकिन बाद में वो सब कुछ भूल गए और उन्होंने नियमों को तोड़ा। तो ऐसा नहीं कि कौरव लोग नियम नहीं तोड़े हैं, महाभारत हम गहराई से पढ़ते हैं तो पता चलता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल वेरी मच ये सेशन अटेंड करने के लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया, पसंद आया और आप जीवन में इसको उतारेंगे। आपको वेडनेसडे को मिलेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन में, और फिर सैटरडे हम दिव्य ज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।